बदलती परिस्थितियां, बदलता परिवेश, बदलती आवश्यकताएं और बदलते तौर तरीके। आज का युग टेक्नोलॉजी युग है और किस तरह से हमने ह्यूमन बीइंग ने अपने आप को बदलती परिस्थितियों में अडैप्ट कर लिया, इसका उदाहरण हम देखते हैं। पिछले 2-3 महीने में ही वेब वेबिनार्स, वेब पोजियम्स, वेब डिस्कशंस, ऑनलाइन कार्यक्रम, ऑनलाइन शिक्षा, ये सब जिस तेजी से शुरू हो रहा है उसमें कोई भी संस्थान अपने आप को पीछे नहीं छोड़ सकता। हर संस्थान को इस बदलती परिस्थिति से, बदलते तौर तरीकों से जुड़ना पड़ेगा और हर संस्थान के हर व्यक्ति को इससे जुड़ना पड़ेगा। इस सिलसिले में हमारे निदेशक महोदय श्री हिमांशु दास जी ने इनिशिएटिव लिया है बहुत सारे वेबिनार्स कराने के लिए, और ये सीरीज ऑफ वेबिनार्स के लिए हमने कई कोऑर्डिनेटर्स भी बनाए हैं। इन कई कोऑर्डिनेटर्स को अलग अलग तरह के शुरू में 10-10 वेबिनार्स करवाने हैं, और लेकिन हमें हमारा ये कर्तव्य बनता है कि इससे पहले कि उन कोऑर्डिनेटर से हम अपेक्षा करें कि वो वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करें, हम उन्हें पहले इक्विप करें। तो आज का ये सेमिनार, आज से लेकर 10 तारीख तक जो हम कुछ सेमिनार्स वेबिनार्स की सीरीज एक करवाने वाले हैं, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने कोऑर्डिनेटर्स को और बाकी लोगों को भी इक्विप कर सकें, सुसज्जित कर सकें, एक नो हाउ दे सकें कि वो वेबिनार्स किस तरह से कंडक्ट करें, और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हम अपनी तरफ से प्रोवाइड कर सकें, उनके क्वेश्चंस का आंसर कर सकें, और जो जो हम उनसे अपेक्षाएं करते हैं पहले उनकी अपेक्षाओं पर हम खरा उतरें, इसी सिलसिले में आज का ये वेबिनार है। और इस तरह के जो बाकी वेबिनार्स होंगे, आज के वेबिनार में हम जो चर्चा प्रमुख रूप से करने वाले हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ एक्सेसिबल ऑनलाइन फॉर्म्स। तो आज का जो वेबिनार है इसी सिलसिले में एक उस श्रृंखला की एक पहली कड़ी है जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ एक्सेसिबल ऑनलाइन फॉर्म्स पे। तो आज जितने भी हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन होगा, अपेक्षा होगी कि अपने आप को पूरी तरह से इक्विप करें, और अपने क्वेरीज डिस्कशन का भी आखिर में हम स्कोप थोड़ा रखेंगे, तो उसमें अगर किसी की क्वेरीज हैं उनको आंसर करने का प्रयास करेंगे। वेबिनार्स के हमारे पेट्रन डॉक्टर हिमांशु दास जी हैं, और ये पंकज जी के तकनीकी सहयोग से और उनकी टीम के तकनीकी सहयोग से ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो आरंभ करते हैं आज का ये वेबिनार। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा, आमंत्रित करूंगा डॉक्टर अखिलेश पाठक जी को। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के, और क्योंकि इनका फील्ड ही उसी तरह का है और उसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो इनके विचारों से और इनकी जानकारी से हम सब लोग लाभान्वित होंगे। डॉक्टर अखिलेश आइए। थैंक यू जग्गी सर। मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं, आप सभी को मेरा अभिवादन। NITVD के निदेशक डॉक्टर हिमांशु दास जी, इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पंकज शाह जी और जग्गी सर, सबको अभिवादन। जब से ये COVID-19 की महामारी आई है, COVID-19 का आउटब्रेक आया है, तब से ICT के टूल्स ने बहुत सारी चीजें हमें सिखाई हैं, और हमें ICT की आवश्यकता जो है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, वो बहुत महसूस हो रही है। जहां तक NIPVD के आदरणीय निदेशक हिमांशु दास जी का कंसर्न है कि ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए और कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम खास करके आवश्यक है, ताकि सारे स्टाफ इक्विप हो कि वो चाहें तो अपने लेवल पे इंडिपेंडेंटली वेबिनार करा सके। हालांकि मुझे लगता है कि इसके लिए NIPVD के पास डॉक्टर पंकज कुमार सफिशियंट से, ही इज एक्सपर्ट इन ऑर्गेनाइजिंग वेबिनार्स एंड ICT टूल्स एंड सेवरल प्रोग्राम्स वी हैव कैरीड आउट टुगेदर। कई बार कई चीजें हम लोगों ने उनसे सीखी भी, पंकज जी से, लेकिन पंकज जी ने आज इसके लिए मुझे उपयुक्त समझा है और आमंत्रित किया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपना अच्छे से अच्छा दे सकूं।
सबसे पहले तो इस पे जाने से पहले आईसीटी के टूल, खास करके गूगल फॉर्म या माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म, जब भी कोई आप वेबिनार कराते हैं तो सबसे पहला काम आपका होता है कि आप पार्टिसिपेंट्स को इन्फॉर्म करें और उनकी सूचना लें जो उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। तो एक वेबिनार के लिए जो पहला काम शुरू होता है वो यहीं से शुरू होता है कि आप कैसे पार्टिसिपेंट्स की सूचनाएं इकट्ठी करेंगे, जैसे पार्टिसिपेंट की मेल आईडी, आपका टारगेट ऑडियंस का जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन, किसको आपको उसमें रखना है किसको उसमें नहीं रखना है, ये सारी चीजें पहले आप इकट्ठा करेंगे। और ये इकट्ठा करने के लिए आज की तारीख में इतने सारे वेब बेस्ड टूल हैं कि आपका काम बहुत आसान हो जाता है। लेकिन इससे जाने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग चीजों पर मैं चर्चा करना चाहूंगा, अगर आप लोग इजाजत दें मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर एक बार करूंगा। सबसे पहले मैं थोड़ी सी चर्चा ये करना चाहूंगा कि कोरोना ने बहुत सारी चीजें बदल दी हैं आज की तारीख में। और पहले जो कई लोग आईसीटी से दूर भागते थे, कई लोग आईसीटी को बुरा मानते थे, वो सब अच्छा मानने लगे हैं। तो क्या क्या चीजें चेंज की हैं कोरोना ने, पहले एक बार जरा ये इस पर नजर डाल लें। जो प्री COVID-19 वर्ल्ड था उसमें लगभग लोग बड़ी चिंता करते थे कि सारे बच्चे जो है आजकल सोशल मीडिया पे ज्यादा समय दे रहे हैं और पड़ोस में उनके कौन रहता है ये उनको नहीं पता है, वो लोग वरीज थे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। अब आज की तारीख में लोग वरीड हैं कि सोशल प्रॉक्सिमिटी बढ़ रही है और इसके चलते कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, तो अपने बच्चों को सिखाना पड़ रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। पहले लोग वरीड थे कि जो सोशल मीडिया है उसका इन्फ्लुएंस आदमी की लाइफ पे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और कई बार आदमी महत्वपूर्ण कामों को इग्नोर करके सोशल मीडिया पे लाइक्स के पीछे, कितने लोग उसको डिसलाइक करते हैं इसके पीछे पड़ा हुआ है। अब ये देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया जो है वो लाइफ सेविंग है। पहले एक धारणा थी, मैं बहुत दिन से चूंकि डिस्टेंस एजुकेशन में काम कर रहा हूँ तो एक धारणा थी कि फेस टू फेस एजुकेशन जो है वही हमेशा अच्छा होता है। आज की तारीख में धारणाएं बदली हैं और अब ये धारणा आई कि ऑनलाइन क्लासेस जो है, वर्चुअल क्लासेस जो है वो लाइफ सेविंग है, वो जीवन की रक्षा कर रहे हैं कोरोना से। पहले ये माना जाता था कि कॉन्फ्रेंसेज बेटर थे, आज नहीं, आज से बहुत साल पहले से ये आईसीटी टूल्स यूज में है, प्रैक्टिस में है, लेकिन भारत में खास करके इनकी पॉपुलैरिटी बहुत कम थी और वेबिनार वगैरह बहुत कम आयोजित किए जा रहे थे। बाद में कोरोना ने ये बताया कि नहीं, ये वेबिनार कई बार कुछ कॉन्फ्रेंस और सेमिनार से जो फेस टू फेस होते हैं उनसे ज्यादा प्रभावी हैं। उसका सबसे पहला कारण तो है इनका खर्च मिनिमल है, दूसरा लाभ इनका ये है कि इनकी रिकॉर्डिंग रखी जा सकती है और कभी भी रिप्ले करके इसको यूज किया जा सकता है, तो ये एक रिकॉर्डेड एसेट है हमारे पास। पहले ये माना जाता था कुछ दिन पहले तक ही कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टाइम किलर है और लोग ऑफिस के टाइम पे, पढ़ने लिखने के टाइम पे सोशल मीडिया का यूज करते हुए अपना समय बर्बाद करते हैं और अपनी जरूरी काम नहीं कर पाते। आज की तारीख में ये माना जा रहा है कि सोशल मीडिया जो है वो सबसे इफेक्टिव मीडियम है इंस्ट्रक्शन इम्पार्ट करने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए, और इनकरेज किया जा रहा है। यूजीसी के कई लेटर आ चुके हैं कि आप अपने बच्चों से टच में रहिए सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू या ट्विटर के थ्रू। पहले यह भी बात थी कि कई बार ऐसी चीजें भी सामने आई कि कुछ साथियों को मैंने कहते सुना, अपने साथियों में से ही कुछ लोग जो खास करके आईसीटी टूल्स का और न्यू मीडिया का ज्यादा यूज करते थे, उनको हमारे साथी ही सजेस्ट करते थे कि यार आपको एक रोल मॉडल बनना चाहिए और आपको जितना हो सके फेसबुक व्हाट्सएप से दूर होना चाहिए ताकि आप विद्यार्थियों के लिए एक रोल मॉडल बन सके। आज की तारीख में ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है, एक टीचर को आईसीटी का प्रयोग आना ही चाहिए तभी आप एक सुरक्षित शिक्षा बच्चे को प्रदान कर सकते हैं। पहले सिर्फ शिक्षा प्रदान करने की बात थी तो कंसर्न अलग था, आज की तारीख में सुरक्षा और शिक्षा दोनों प्रदान करने की बात है, तो हमें सोशल मीडिया और आईसीटी टूल्स का प्रयोग ऑप्टिमम लेवल पर करना होगा। बहुत संक्षेप में मैं इसकी चर्चा करना चाहूंगा कि आईसीटी क्यों। सबसे पहला कि आईसीटी लाइफ सेविंग है, दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव है, तीसरा प्लेस और टाइम के संदर्भ में ओपननेस प्रोवाइड करता है। जैसे कभी मान लीजिए कोई कॉन्फ्रेंस आपको अटेंड करना हो तो उसके लिए आपको 2 दिन जाने का समय, 2 दिन आने का समय, 1 दिन, 2 घंटे, कुछ ना कुछ तो समय देना पड़ता था और आप प्लेस से बंधे हुए थे, समय से बंधे हुए थे। आज की तारीख में आप प्लेस से बंधे हुए नहीं हैं, आप कहीं पे भी हैं आप अटेंड कर सकते हैं, आप समय से बंधे हुए नहीं हैं, आपको अगर वो अटेंड करने का मौका नहीं मिला तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल है। आईसीटी टूल्स
के पर आधारित जो भी वेबिनार सेमिनार कराए जा रहे हैं कि जब भी अगर आप मान लीजिए मिस कर देते हैं तो उसके लिए उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मोस्ट ऑफ द केसेज अवेलेबल है, आप कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार उसको देख सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। इसके अलावा आईसीटी गिव्स अपॉर्चुनिटी फॉर ग्लोबल इंटरेक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब कॉन्फ्रेंस और सेमिनार हम कराते थे तब ग्लोबल इंटरेक्शन की सुविधा हमें उतनी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं कोटा में एक कॉन्फ्रेंस करा रहा हूँ और मुझे अमेरिका से किसी एक आदमी को बुलाना है किसी विशेषज्ञ को, तो मुझे 10 बार सोचना पड़ेगा। एक तो फाइनेंशियल कंसर्न सोचने पड़ेंगे और दूसरा उनके भी कन्वीनियंस सोचनी पड़ेगी, और उनका एक दिन के कॉन्फ्रेंस में आने के लिए उन्हें 4 से 5 दिन का समय लग जाएगा। लेकिन आईसीटी टूल ने यह आसान कर दिया है, बिल्कुल रियल टाइम में हम उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि इससे पहले भी सारे लोग हम जानते हैं कि हम लोगों के लिए आईसीटी एक सुविधा है, लेकिन पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए बहुत सारी चीजों को ये संभव बनाता है। इसलिए भी खास करके जो लोग डिसेबिलिटी के सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए आईसीटी का डेप्थ नॉलेज जरूरी है। प्रोवाइड्स मल्टी सेंसरी इनपुट, हम सब लोग जानते हैं कि मल्टी सेंसरी नॉलेज जो है हमेशा ड्यूरेबल होता है, और आईसीटी जो है मल्टी सेंसरी इनपुट, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ वो सुन भी पा रहे हैं, तो आईसीटी मल्टी सेंसरी इनपुट प्रोवाइड कराता है और रेप्लिकेशन इजी। मान लीजिए कि आप इस वेबिनार को देखते देखते कहीं आपका ध्यान भटक गया, कुछ चीजें आप सीखने से रह गए, उसको रेप्लिकेट कर लीजिए, आप उसके वीडियो को दोबारा देख लीजिए और आप सीख गए। ऑनलाइन फॉर्म्स, क्यों ऑनलाइन फॉर्म्स यूज करें? ऑफलाइन फॉर्म में मान लीजिए कि आप एक आवेदन मंगाते हैं कि हम एक सेमिनार करा रहे हैं, एक वेबिनार करा रहे हैं, एक वर्कशॉप करा रहे हैं, आप अप्लाई कीजिए, वो व्यक्ति आपको ऑफलाइन अप्लाई करता है, उसका फॉर्म लेंगे, उसके सारे फील्ड्स की आप एंट्री करेंगे, आपको एक पूरा का पूरा डिवोटेड आदमी इस काम के लिए चाहिए, और तब भी गलतियां होने की संभावना रहेंगी। इसलिए ऑनलाइन फॉर्म आप यूज कीजिए कि ये बहुत आसान है, अफोर्डेबल है, कोई खर्च नहीं है, कन्वीनियंट है, पॉपुलर है, रियल टाइम कोलेबोरेशन की सुविधा है, आप कर रहे हैं, आप अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और आप सब लोग मिलके एक साथ एडिट कर सकते हैं उसको। अच्छा, जितने भी एंड्रॉइड यूजर्स हैं उन सबके पास ईमेल अकाउंट है, चाहे वो जीमेल अकाउंट हो चाहे कोई और मेल अकाउंट हो, और साथ ही ये जो फॉर्म्स हैं ये एक्सेसिबल अक्रॉस द डिवाइसेस, लैपटॉप पे, इसके साथ साथ मोबाइल पे, हर जगह आप इसको एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी कभी भी। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, जितने भी ऑनलाइन फॉर्म्स हैं चाहे वो गूगल फॉर्म हो चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म हो, उनके इंटरफेस यूजर फ्रेंडली हैं, कोलेबोरेशन बहुत आसान है, और फीचर्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग ऑल काइंड्स ऑफ फाइल, लगभग सभी प्रकार की फाइल आप इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, साथ ही इजी असेसमेंट और एनालिटिक्स भी है। तो ये प्रेजेंटेशन में बंद करके आपके साथ आना चाहूंगा एक बार माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म पे। माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म पे कैसे जाएं? तो इसके लिए हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे मेरा कर्सर है, सबसे पहले तो आप एक आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होना चाहिए, और उसके बाद उसे लॉगिन करें, और यहाँ पे ये जो 9 बटन देख रहे हैं, जितने विजुअल इंपेयरमेंट के हैं ऐसे ही 6 बिंदुओं से ब्रेल भी लिखी जाती है, तो ये जादू के 9 बटन हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। इस बटन में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, यहाँ से आप अंदर जाएं तो आउटलुक, वर्ड, पावर पॉइंट इसी में आपको मिलेंगे, ऑल एप्स में जाएं तो इसमें मिलेगा आपको फॉर्म्स, ये फॉर्म्स हैं यहाँ पे उपलब्ध, इस फॉर्म को खोलें, बहुत ही आसान है, कुछ भी, कोई जादू की पुड़िया नहीं है, इस बहुत आसान है, बिल्कुल सब लोग कर सकते हैं। आप सब लोग जो लोग कंप्यूटर पे बैठे हैं, बल्कि अगर उनके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट हो तो आप इसको खोलें और साथ साथ सीखें। ये ओपन हो रहा है, लेट इट ओपन। यहां पे देखें आप न्यू फॉर्म और न्यू क्विज, आप पहले से तय कर लें कि आपको क्विज बनाना है, आपको फॉर्म बनाना है। जैसे बाकी सारी चीजों में आपको टेम्पलेट्स मिलते हैं, वैसे ही इसमें टेम्पलेट्स हैं इतने सारे, ये टेम्पलेट आप यूज कर सकते हैं पहले से। कस्टमर फीडबैक सर्वे, कोर्स इवोल्यूशन सर्वे, फीडबैक सर्वे, मोर टेम्पलेट्स में जाएं तो और भी टेम्पलेट आपको मिलेंगे। ये सारी चीजें आप एक्सप्लोर करें, तब तक मैं जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं वो बताता हूँ। एक न्यू फॉर्म हम खोल लेते हैं, क्विज से पहले हम फॉर्म खोलते हैं, फॉर्म सीखते हैं, क्विज फिर आप अपने आप सीख लेंगे। यहाँ पे 2 टैब्स दिख रहे हैं, क्वेश्चंस और रेस्पॉन्सेज। ये रेस्पॉन्सेज टैब जो है इसमें आपको तभी मिलेगा जब कोई रेस्पॉन्स देगा आपके फॉर्म पे। अभी आपने फॉर्म बनाया नहीं है, अनटाइटल्ड फॉर्म, मान लीजिए हम अनटाइटल्ड फॉर्म का टाइटल दे देते हैं, NIEPVD
ट्रेनिंग ऑन माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स और एक्सेसिबल फॉर्म्स। इंटरनेट डिस्क्रिप्शन, अगर आपको डिस्क्रिप्शन डालना है कुछ और तो आप डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए, दिस इज अ फॉर्म, जो भी आपको लिखना है यहाँ पे लिख लीजिए। अगर आपको इमेज डालना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए इमेज की तस्वीर है, अगर मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं और मेरा कर्सर देख पा रहे हैं तो यहाँ पे इमेज है। आप जहां से भी कोई इमेज अगर लेना चाहें तो सर्च कर सकते हैं, वन ड्राइव से ले सकते हैं अपने, और अपने कंप्यूटर से अपलोड कर सकते हैं। आपको अगर अपने कंप्यूटर से लेना है तो आप अपने कंप्यूटर से अपलोड करें, जो भी आप लेना चाहते हैं एक्स वाई जेड। जैसे मान लीजिए मैं ये लेना चाहता हूं इमेज, तो ये इमेज अभी अपडेट हो रहा है, अपडेट होने के बाद ये यहां पे आ जाएगा। इसके बाद आपको ऐड करना है तो इसमें जाएं ऐड न्यू, ऐड न्यू करें। ऐड न्यू में पूछ रहा है कि कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन आप ऐड करना चाहते हैं, चॉइस ऐड करना चाहते हैं, टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, रेटिंग ऐड करना चाहते हैं, डेट ऐड करना चाहते हैं, रैंकिंग ऐड करना चाहते हैं, लिकर्ट स्केल ऐड करना चाहते हैं, या फिर सेक्शन ऐड करना चाहते हैं। चाहे तो आप अलग अलग सेक्शन में बांट सकते हैं अपने फॉर्म को, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। मान लीजिए कि आप इवोल्यूशन भी करना चाहते हैं गूगल सॉरी माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म का यूज करते हुए, और आप ये भी चाहते हैं कि फीडबैक भी आपको मिल जाए, तो सेक्शन ए कर दीजिए इवोल्यूशन फॉर्म, सेक्शन बी कर दीजिए फीडबैक फॉर्म, सेक्शन सी कर दीजिए सजेशंस, जो भी जितना आपको चाहिए। इसमें आप चाहें तो थीम्स और ले सकते हैं, बहुत सारे थीम्स हैं अवेलेबल। ये फॉर्म अभी ब्लैंक ब्लैंक दिख रहा है, इतने सारे थीम्स हैं, कोई भी थीम आप इसमें से चाहें तो ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये थीम लिया, ये थीम यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगा। अब आते हैं ऐड न्यू पे, तो पहले चलते हैं चॉइस ले लीजिए एक बार, चॉइस ले लिया हमने, क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें मान लीजिए कि मैं जानना चाहता हूं कि आपका जेंडर क्या है, आप पार्टिसिपेंट से पूछना चाहते हैं, जेंडर आपने ऐड कर दिया, अब अपने आप ये सजेशन आने लगे। ऑप्शन वन वीमेन ले लिया मैंने, ऑप्शन वन वीमेन हो गया। ऑप्शन टू ये खुद ही बता रहा है मैन, ऑप्शन थ्री ये खुद सजेस्ट आपको कर रहा है कि आप चाहें तो यहां से ले लीजिए, ऑप्शन थ्री प्रेफर नॉट टू से। लेकिन जरूरी नहीं कि बताए तो लें, आप इसको चेंज कर दीजिए, मेल इसका सजेशन आप लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर वो आपके काम का नहीं काम का है आप उसको चेंज कर दीजिए। इसके बाद ऐड न्यू अनदर क्वेश्चन आप ऐड कीजिए। अब ये खुद से बता रहा है, चूंकि आपने ऊपर लिखा है जेंडर तो ये खुद से सजेस्ट कर रहा है, क्वेश्चन का आइडिया दे रहा है कि आप एज तो नहीं पूछना चाहते। भाई हम नहीं पूछना चाहते, हमने नाम पूछ लिया, अब हमें इसकी जरूरत है नहीं, तो हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। और ऐड करेंगे क्वेश्चन और उसमें हम मान लीजिए कि हमें शॉर्ट आंसर चाहिए, जैसे हमें नाम चाहिए तो हम पूछ लेंगे कि आपका नाम क्या है, क्वेश्चन में यहाँ पे एडिट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आपका नाम क्या है, वो शॉर्ट आंसर देगा जो भी एक्स वाई जेड नाम है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और कुछ रेटिंग देनी है कि हाउ वाज द वेबिनार, तो आपको कैसा रेटिंग देना है, स्टार रेटिंग देना है, रेट द ऑडियो क्वालिटी ऑफ द वेबिनार। अब आप कैसा स्टार रेटिंग चाहते हैं तो ये ऐसे स्टार रेटिंग के लिए आएगा, व्यक्ति जो भी रिस्पोंडेंट होगा वो ऐसा स्टार रेट करेगा। स्टार नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो भाई नंबर चाहिए। नंबर कितने में से चाहिए, यहाँ पे दो में से चाहिए, बहुत अच्छा, अच्छा खराब, तीन में से चाहिए, बहुत अच्छा बहुत खराब कर नहीं सकते, चार में से चाहिए, पांच में से चाहिए, दस में से चाहिए। मान लीजिए हमें दस में से चाहिए कि दस में से आप कैसा रेट करते हैं इस वेबिनार की ऑडियो की क्वालिटी को। आगे बढ़िए इससे अब अगला अगला क्वेश्चन जो भी आप ऐड करना चाहें। यहां पे लिकर्ट माप नहीं कह रहा है, लिकर्ट स्केल, रैंकिंग, रैंकिंग में आप पूछ लें, रैंक द रिसोर्स पर्सन, डाल देना हम एक्स वाई जेड, ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे आप बढ़ते जाएं। ये एक्सप्लोर करने की चीज है, करने की चीज है, सीखने की चीज है। यहाँ पे देखें, आपने 10 पॉइंट डाला था तो यहाँ पे अब रेट द ऑडियो क्वालिटी ऑफ द वेबिनार 1 से 10 तक आपके पास आ गया।
यहाँ पे रेट द रिसोर्स पर्सन ए बी डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। ये टेस्ट में आप बड़ा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं आप चाहें तो कि डू यू फील वेबिनार्स नाउ ए डेज आर बेनिफिशियल। वो अपना टेक्स्ट में आंसर देगा यहाँ पे लॉन्ग आंसर, ये खुद ही रिकॉग्नाइज कर रहा है कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। अगर ये रिकॉग्नाइज ना करे तो आप उसको कर दीजिए कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है ये। ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाइए, एड न्यू एड न्यू एड न्यू। मान लीजिए कि मुझे सारा कुछ तो मैंने कर लिया साहब, अब मुझे सेक्शन ऐड करना है, न्यू न्यू बहुत हो गया, अब मैं सेक्शन ऐड करना चाहता हूँ, एक सेक्शन ऐड कर दीजिए यहाँ से। अब सेक्शन नाम दे दीजिए, सेक्शन बी इसको नाम दे दीजिए इवेल्युएशन फॉर्म और इवेल्युएशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, फिर सेम वे में इसमें भी कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करना है तो अगर कुछ आप नया ऐड करना चाहते हैं तो ये सारी चीजें यहाँ पे ऐड करते जाइए, ये ऐड होता जाएगा। लिकर्ट स्केल लेना चाहते हैं तो लिकर्ट स्केल पे लीजिए, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू। I like the webinar. ये लिकर्ट स्केल होता है, इस लिकर्ट स्केल के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होगी भी मैं ऐसी आशा करता हूँ, और अगर नहीं है तो एक बार देख लीजिएगा कि लिकर्ट स्केल होता क्या है। उसमें स्टेटमेंट होते हैं और उस पर रिस्पॉन्स देना होता है, जैसे आई लाइक द वेबिनार 1 2 3 4 5। ये जो ऑप्शन है ये स्ट्रांगली एग्री, इसको कर दीजिए स्ट्रांगली डिसएग्री, स्ट्रॉन्गली एग्री आंट से यहां पे स्ट्रॉन्गली डिसएग्री है तो यहां पे डिसएग्री हुआ, सॉरी। फिर यहां पे एग्री होगा और यहां पे स्ट्रॉन्गली एग्री होगा, मतलब स्टेटमेंट है आई लाइक द वेबिनार। अब आपको रेस्पोंडेंट लगा सकता है कि हाँ भाई स्ट्रॉन्गली डिसएग्री हूं मैं, आई डिड नॉट लाइक, या स्ट्रॉन्गली एग्री हूं कि हाँ वेबिनार बहुत अच्छा हुआ। ऐसा ही आई लाइक द नॉलेज ऑफ पार्टिसिपेंट्स, स्ट्रॉन्गली एग्री डिसएग्री एंड सो ऑन। ऐसे ही ये लिकर्ट स्केल है, तो इस प्रकार आप इसमें आइटम एड कर सकते हैं। अब आइटम ऐड कर लिए उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, जैसे यहाँ पे देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा, कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए यहाँ पर, जब भी आप वो करते हैं एक तो मल्टीपल आंसर, मान लीजिए कि कोई ऐसा क्वेश्चन देते हैं जिसके मल्टीपल आंसर हैं तो आपको इसको ऑन करना होगा मल्टीपल आंसर के लिए। और अगर आप उस क्वेश्चन को मैंडेटरी बनाना चाहते हैं, जैसे जब भी आप कोई फॉर्म बनाएंगे और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे पार्टिसिपेंट से रिलेटेड, तो कुछ चीजें तो आपके लिए एसेंशियल होंगी जैसे उसका नाम, और कुछ चीजें ऑप्शनल होंगी जैसे उसका इनकम ग्रुप किस इनकम ग्रुप में आता है, उसकी एजुकेशन क्या है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस के लिए सूचना इकट्ठी कर रहे हैं। अगर वो सूचना ऑप्शनल है तो इसको ऑफ छोड़ दीजिए, वो नहीं देना चाहे नहीं दे, और अगर वो एसेंशियल है तो इसको ऑन कर दें। अब जब तक वो व्यक्ति इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा, जेंडर के बारे में अपने नहीं बताएगा, ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। अगर इसको आप ऑफ कर देंगे, वो जेंडर का रिस्पॉन्स नहीं भी दे, तभी ये फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। तो आप जितने प्रश्नों को चाहें उतने प्रश्नों को मैंडेटरी इस प्रकार बना सकते हैं रिक्वायर्ड करके। इसके अलावा सब टाइटल दे सकते हैं आप, लेवल दे सकते हैं आप, ब्रांच ऐड कर सकते हैं आप विद इन ए क्वेश्चन। अब सारा कुछ इतना सारा तो आपने कर लिया साहब, क्वेश्चन बना लिया आपने, सारे आइटम डाल लिए, थीम चेंज कर लिया, अब फाइनल आप उसका चाहें तो प्रीव्यू देख सकते हैं। ये प्रीव्यू है जो मैंने फॉर्म बनाया था उसका, ये देखें जो लोगो ऐड किया था मैंने, जो टाइटल डाला था मैंने, जो जो क्वेश्चन डाले थे, ये सारे के सारे आपके सामने हैं। चूंकि सेक्शन दूसरा डाला था तो इसमें नेक्स्ट भी जाएगा, लेकिन चूंकि हमने ये क्वेश्चन मैंडेटरी कर दिया है इसलिए ये आगे नहीं जा रहा है। अब ये आगे गया अगला क्वेश्चन, और यहाँ पे सबमिट का ये ऑप्शन है,
ये कंप्यूटर व्यू। इसके अलावा आप चाहें कि मोबाइल में ये कैसा दिखेगा, तो ये दिखा रहा है कि मोबाइल में ये ऐसा दिखेगा। ध्यान रखिए कि ये कंप्यूटर व्यू और मोबाइल व्यू का ऑप्शन जो है वो गूगल फॉर्म्स में नहीं है। गूगल फॉर्म आपको नहीं बताता कि मोबाइल में कैसा दिखेगा, लेकिन इसमें आपके प्रीव्यू में ये दोनों ऑप्शन हैं। दोनों के अपने अपने कुछ माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म के कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ लिमिटेशन है। ये जो आप एरो देख रहे हैं, इस एरो से आप क्वेश्चंस को ऊपर और नीचे ले जा सकते हैं। किसको ऊपर जाना है, किस क्वेश्चन का क्रम निर्धारित कर सकते हैं कि किस क्वेश्चन को पहले आना है, किस क्वेश्चन को बाद में आना है। ये सारी चीजें आपने कर ली। अब जब ये सारी चीजें कर ली, तो यहाँ पे एक ऑप्शन तो सेटिंग का है। इस सेटिंग को देखिए, यहाँ पे नीले से हाईलाइटेड है एक्सेप्ट रेस्पॉन्सेज। तो जब भी आप चाहें कि कोई आदमी उस पर रेस्पॉन्स देना शुरू करे, तो इसको चेक करें। अगर इसको आप अनचेक कर देंगे, तो वो रेस्पॉन्स एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप यहाँ पे मैसेज डाल सकते हैं कि दिस फॉर्म विल बी लाइव सिंस 10 PM ऑफ टुडे। पार्टिसिपेंट जैसे उस लिंक पे जाएगा, उसको मालूम चल जाएगा भाई 10 बजे से पहले ये फॉर्म चालू नहीं होगा, 10 बजे के बाद ही ये रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करना शुरू करेगा। इसके बाद साथ साथ आप चाहें तो इस पे स्टार्ट डेट डाल सकते हैं कि किस तारीख से शुरू होगा। अगर आप रिस्पॉन्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट डेट डाल सकते हैं। आप जैसे 7/3/2020 स्टार्ट टाइम डाल सकते हैं, इंड डेट डाल सकते हैं। इंड डेट किस डेट को और किस टाइम को ये एंड होगा, ये डाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको चेंज कर दिया कि नहीं भाई, ये 10 तारीख तक फॉर्म चलेगा, 5 बजे तक शाम तक, और उसके बाद बंद हो जाएगा। क्वेश्चन सफल कर सकते हैं आपस में, और जितने भी रेस्पॉन्सेज हैं उसके लिए आप ईमेल नोटिफिकेशन मंगा सकते हैं इसको चेक करके। साथ ही कस्टमाइज थैंक यू मैसेज, मान लीजिए किसी ने आपका फॉर्म भरा, तो उसको कुछ सूचना तो होनी चाहिए। कैसे उसको पता चलेगा कि उसने फॉर्म भर दिया? तब इसमें आप थैंक यू मैसेज डाल दें कि थैंक यू फॉर। मेरी आवाज सुनाई दे रही है और प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है सबको अच्छे से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग फॉर द वेबिनार। वी विल गेट बैक टू यू सुन। हमने लिख दिया। अब क्या होगा इसमें कि जैसे ही सामने वाला रेस्पॉन्ड करेगा आपके फॉर्म को, हम यहाँ पे से सेटिंग पे, जैसे ही सामने वाला आपके फॉर्म को रेस्पॉन्ड करेगा और सबमिट करेगा, उसको एक मैसेज मिल जाएगा, जो मैसेज आपने यहाँ पे लिख रखा है। इसके बाद आते हैं, अब यहाँ पे सेंड ऑप्शन आया। अब आपका फॉर्म फाइनली रेडी है भेजे जाने के लिए। यहाँ पे ये देखें, ये फॉर्म का लिंक तैयार हो गया है। आप इस लिंक को कॉपी कर लें जैसे, और इसको भेज दें जिसको भी आपको भेजना हो, उसको आप भेज दें। जैसे मैं ये कॉपी कर रहा हूं और अपने चैट बॉक्स में डाल रहा हूं, आप लोग इसको भरने की कोशिश भी कीजिए। मैंने ये लिंक कॉपी किया और अपने चैट बॉक्स में डाल दिया, आप लोग इसको भरने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा ये क्यूआर कोड का ऑप्शन देता है। ये क्यूआर कोड का ऑप्शन भी डायरेक्ट गूगल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। आ रहा है ये सर क्यूआर वो? कोड आप भेजते हैं सबको डाउनलोड। प्रेजेंटेशन आ रहा है सर? वो सर वो लिख क्या रहा कि दिस फॉर्म नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स। आप रिस्पॉन्स वाले पे एडिट करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है अभी। आपने सही है। देखिए, ये सीखने के लिए मैंने डाल रखा था, अभी यहाँ पे चालू करता हूं मैं। रिस्पॉन्स एक्सेप्ट, रिस्पॉन्स एक्सेप्ट रिस्पॉन्स है यहाँ पे तो, लेकिन 7/3 से 4 बजे से है। मैं इसको बंद करता हूँ, इसका टाइम जो है वो कर देता हूं कम, 3:30 कर देता हूं। अब देखें आप लोग, ये रेस्पॉन्स एक्सेप्ट करेगा। कर रहा है चलिए सर। फिर से आते हैं, और कि करेगा करेगा सर। सेटिंग पे हम बात कर रहे थे कि सेंड पे बात कर रहे, सॉरी। ये लिंक तैयार हो गया अपना जाने के लिए, और मैंने आपको भेज भी दिया। आप लोग भेजेंगे मुझे, तब मैं आपको रिस्पॉन्स दिखा पाऊंगा कि क्या रिस्पॉन्स आया। और इसके अलावा सेंड में ये ऑप्शन है क्यूआर कोड का। क्यूआर कोड सारे लोग देख रहे हैं यहाँ पे, बगल में डाउनलोड का ऑप्शन है। ये खास करके जरूरी है, जैसा कि हमारा आज का टाइटल है एक्सेसिबल फॉर्म। तो जब भी आप गूगल लिंक भेजते हैं और प्रिंटेड फॉर्म में भेजते हैं, तो वो एक्सेसिबल नहीं होगा। किसी के लिए भी ये बहुत कठिन काम है कि उतना सारा
फॉर्म्स डॉट ऑफिस डॉट कॉम पेजेस डिजाइन पेज एएसपीएक्स इतना सारा यूआरएल में डालना लेटर और कैरेक्टर कठिन होता है। ऐसे में क्यूआर कोड को कहते हैं क्विक रिस्पॉन्स कोड। तो क्विक रिस्पॉन्स कोड ये जनरेट कर रहा है, खास करके प्रिंटेड वर्जन में ये बहुत काम का है कि प्रिंटेड है अगर किसी पेपर पे, इसको आप स्कैन करें और आप उस फॉर्म तक डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। इसके अलावा ये कोड देता है वेब पेज के लिए, और अगर आप चाहें आपकी इच्छा हो कुछ भी नहीं यहां से लेना तो सीधे सीधे मेल आईडी इंटर करें और सबको आप सेंड कर दें यहीं से। यहाँ पे इनवेलप बना हुआ है, इसको आप शेयर कर सकते हैं। अब आपको जादू दिखाता हूं, जो आपको मैंने कहा था कि ये जो 9 बटन है ऊपर 9 डॉट्स जो है दीज आर मैजिक्स। अभी तक मुझे, अगर मेरा स्क्रीन आप देख पा रहे हैं तो देखें 5 रिस्पॉन्स अभी तक मिल चुका है। वो 0.47 मिनट लोगों ने लगाया है और स्टेटस इसका क्या है, एक्टिव है। अब जरा रिस्पॉन्सेज पे जाइए, टोटल अभी तक 6 रिस्पॉन्सेज हमारे पास आ चुके हैं। अब इसमें ये देखें, अभी धीमा खुल रहा है, ये देखिए मेरे पास पूरा डेटा एनालाइज्ड है कि 6 लोगों ने बताया है कि वो मेल हैं और एक ने बताया है कि फीमेल है। प्रेफर नॉट टू से किसी ने नहीं कहा है, उसका परसेंटेज और उसका डायग्राम यहाँ पे हमारा रेडी है। नाम में 7 रिस्पॉन्सेज हैं। रेट द ऑडियो क्वालिटी ऑफ द वेबिनार, रैंक द रिसोर्स पर्सन, ये सारे डेटा हमारे पास पूरी तरह से एनालाइज्ड मौजूद है। कितने लोगों ने कहा था आई लाइक द वेबिनार, स्ट्रॉन्गली एग्री, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, डिसएग्री, ये सारा का सारा यहाँ पे बता रहा है कि 100% लोग जो है एग्री थे। ये बार बार चेंज हो रहा है इसलिए कि आप सारे लोग रेस्पॉन्स दे रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप सारे लोगों में सीखने की क्यूरियोसिटी है और आप सब लोग मेहनत कर रहे हैं। अभी तक 10 रेस्पॉन्स इतना बताते बताते मेरे पास हो चुका है। अब इसके अलावा अब इसका यूज क्या करेंगे आप, तो जब भी आप गूगल मीट से कोई मीटिंग शेड्यूल करते हैं तो वो CSV फाइल लेता है। गूगल मीट या कोई भी वेब कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है वो CSV फाइल सुनने में बड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। CSV का फुल फॉर्म है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल। सिंपल मीनिंग में समझिए उसको, यहाँ पे लिख रहा है ये ओपन इन एक्सेल, इसको एक्सेल में ओपन कर लेंगे हम। ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो गया एक्सेल सीट मेरा, और मैं इसको खोलूंगा और जिसको भी इनवाइट करना होगा उसकी ईमेल आईडी लूंगा, और जिस भी सॉफ्टवेयर से मैं वेब कॉन्फ्रेंसिंग शेड्यूल कर रहा हूँ उसमें इंटर करके सबको एक साथ बल्क में सिंगल मेल भेज दूंगा। कोई टेंशन नहीं, किसी को भी मुझे अलग अलग मेल भेजने की जरूरत नहीं है। ये एक्सेल सीट खुलने में थोड़ी देर हो रही है, लेट इट ओपन। तो इस प्रकार हम गूगल फॉर्म का, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं पार्टिसिपेंट का डेटा कलेक्ट करने के लिए अपने वेबिनार के पर्पज से। अगर आप सब लोग आने वाले दिनों में वेबिनार ऑर्गेनाइज कराने जा रहे हैं तो जान लीजिए कि ऑर्गेनाइजिंग अ वेबिनार इज नो लॉन्गर ए मिस्ट्री फॉर यू। इट इज वेरी इजी एंड एज इजी एज यू आर टेकिंग अ मील और यू आर टेकिंग अ ब्रेकफास्ट। जस्ट विद इन अ सेकेंड you can schedule a program, you can create a form, you can get responses, you can send mail, you can send certificates and so on. Everything you can do once you learn how to create the form or and how to share this form. I was opening the Excel sheet, let it open. तब तक आप अभी देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पे कि 11 responses आ गए हैं। आप जब भी रिजल्ट देखना चाहें तो देख लें कि 8 मेल थे, 3 फीमेल थे। इसके अलावा मान लीजिए आपने डाला होता मैंने कि स्टेट कौन कौन से हैं तो ये आ जाता किस किस स्टेट से हैं, कंट्री डालता किस किस कंट्री से हैं, ऐसी चीजें। डिलीट ऑल रिस्पॉन्सेज, आप चाहें तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं रिस्पॉन्स का। प्रिंट समरी, इनकी समरी प्रिंट कर सकते हैं। क्रिएट ए समरी लिंक, और समरी लिंक भी आप इसका चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं।
ये एक्सेल फाइल खुलने में थोड़ी सी देर हो रही, थोड़ा सा समय लग रहा है डाउनलोड होकर के इसको खुलने में, चूंकि ऑनलाइन क्या आप लोग एक्सेल शीट देख पा रहे हैं यहाँ पे? आपको फिर से शेयर करना होगा सर, अभी तो आपका वो मेरी स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं है ना सर, वो आपको एक्सेल शीट शेयर करना होगा। ओके फाइन, दोबारा ओके ओके, वंस अगेन आई विल बी शेयरिंग द एक्सेल शीट नाउ। आ गया, तो आप सारे लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कितने सिस्टमेटिकली सारी चीजें मेरे पास उपलब्ध हैं। इसमें से जितने लोगों ने, चूंकि मैंने ईमेल आईडी को मैंडेटरी नहीं किया था, इसी एनोनिमस बता रहा है, यहाँ पे ये ईमेल आईडी होगी, इसको जस्ट यूं कॉपी करें आप, वहां पे अपने मेल में ले जाकर के पेस्ट करें और सबको मेल भेजें, देयर इज नो इशू। सर्टिफिकेट भी बाद में कभी भेजना हो तो वो भी आप ऐसे चाहें तो भेज सकते हैं। आप लोग सामने यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किन किन लोगों ने, कुलदीप जी ने भेजा है, पंकज जी ने भेजा है, सावित्री चौधरी, सोमनाथ गोस्वामी ने 2 बार रेस्पॉन्स दिए हैं, कृष्णकांत शर्मा जी ने रेस्पॉन्स दिए हैं, डॉक्टर सुरेंद्र धालवाल ने रेस्पॉन्स दिए हैं, डॉक्टर सावित्री चौधरी ने दिए हैं, समा अंगिरा ने दिए हैं, वीबी किरण कुमार ने दिए हैं। तो ऐसे ही ये पूरी पार्टिसिपेंट डिटेल आपके पास एक्सेल शीट में आ जाएगी, पूरा रेस्पॉन्स आपके पास आ जाएगा, जितना भी रेस्पॉन्स हो, जितना भी बड़ा हो, वो सारा आ जाएगा। तो आप जादू की तरह बिल्कुल एक बार फॉर्म सीख लें, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म हो, चाहे वो गूगल फॉर्म हो, आजकल इन दोनों में बहुत कॉम्पिटिशन चल रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में भी और गूगल में भी, क्योंकि गूगल का ऑनलाइन पे बहुत कब्जा था और माइक्रोसॉफ्ट का कब्जा लगभग इस पे था, ऑफलाइन ऑफिस सूट पे, खास करके वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पे। तो गूगल ने ऑनलाइन आपको उपलब्ध करा रखे हैं डॉक्स और शीट, सेम वे में आजकल माइक्रोसॉफ्ट ने भी ऑनलाइन पावर पॉइंट, ऑनलाइन वर्ड, ऑनलाइन एक्सेल और ऑनलाइन फॉर्म, बहुत सारे फीचर्स उपलब्ध करा रखे हैं। इन फीचर्स का यूज करें आप, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अभी तक सीख चुके होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म का यूज कैसे करना है और कैसे आपको तैयार करना है। बाकी रातों रात पूरी चीजें नहीं सीख जाएंगे, हाँ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एक एक फॉर्म बनाइए और उसको मेरे साथ शेयर कीजिए, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो उस पर एक्सपेरिमेंट कीजिए, सीखिए, शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, कोलेबोरेट कीजिए और सीखिए कि हाउ टू ऑर्गेनाइज अ वेबिनार। फिलहाल आज के लिए माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स मेरे पास था। अब रही बात एक्सेसिबिलिटी की, तो एक्सेसिबिलिटी के बहुत सारे टूल हमारे पास उपलब्ध हैं, जैसे कि स्क्रीन रीडर है, मैग्नीफायर है, इनका यूज किया जा सकता है उसको एक्सेसिबल बनाने के लिए। मेरी ओर से आज के लिए इतना ही, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद पेशेंस हियरिंग के लिए। अगर कोई प्रश्न हो इससे रिलेटेड तो आप जरूर रखें। डॉक्टर पाठक बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें यहाँ ये सीखने को मिला कि अगर बीच में किसी तरह की अड़चनें भी आती हैं तो उन अड़चनों को हमें कैसे दूर करना है, एक प्रैक्टिस सेशन के साथ साथ हम सब लोगों को ये सीखने का मौका मिला। डॉक्टर पाठक, जैसे सेमिनार का विकल्प वेबिनार बनता जा रहा है, इसी तरह से किसी का स्वागत करने के लिए ई माला या ई गार्लैंड या ई बुके की भी कोई व्यवस्था हो सकती है क्या? हो सकती है सर, आने वाले दिनों में ये व्यवस्था भी हो जाएगी। आजकल आपको मालूम हो तो ई पूजा चल रही है, जब से मंदिर बंद हुए हैं तब से ई पूजा चल रही है। बिल्कुल, तो आने वाले दिनों कोई आश्चर्य नहीं कि ये चीजें आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर पाठक। अब मैं इन्वाइट करूंगा इंजीनियर मिस्टर नीरज अरोड़ा जी को, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा में, और इनके माध्यम से हम जो तकनीकी वेबिनार में आने वाली तकनीकी चीजें हैं उनकी जानकारी हम लेंगे। डॉक्टर नीरज। थैंक यू डॉक्टर हिमांशु जी। मैं नीरज अरोड़ा, क्या आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं? सो वेलकम टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज ऑन गूगल फॉर्म। इसमें हम ये सीखेंगे गूगल फॉर्म को हम कैसे एडिट कर सकते हैं, कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं और कैसे हम उसको शेयर कर सकते हैं, ताकि हम उसके रेस्पॉन्ड और उसके जो डेटा आए हैं, उसको जो रेस्पॉन्सेज है उसको देखने के लिए उसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं गूगल टूल्स की मदद से। सो सबसे पहले मैं NIEPVD को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी है, जिससे कि मैं अपनी नॉलेज को शेयर कर पाऊँ।
जैसा कि आप सबने को पता है कि मैं नीरज अरोड़ा हूं और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहां पे शेयर करना चाहता हूं मेरी स्क्रीन। सो जैसा कि आप सबको पता है, जैसा कि मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि गूगल फॉर्म होता क्या है। गूगल फॉर्म एक फ्रीली अवेलेबल गूगल की एक एप्लीकेशन है जो कि वेब बेस्ड है, जिससे कि थ्रू आप जो है किसी भी फॉर्म को क्रिएट कर सकते हो, किसी फॉर्म को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इमीडिएट रिस्पॉन्ड आप ले सकते हो, जिसकी मदद से आप रेस्पॉन्सेस को आप गूगल शीट्स के अंदर दे सकते हो, जो कि एक सिमिलर टाइप की एप्लीकेशन है। गूगल शीट्स जो है वो सिमिलर टाइप की एप्लीकेशन है गूगल एमएस एक्सेल के जैसी की जैसी, ठीक। और आप इसको जो भी आपके रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं उसको आप सेव कर सकते हो गूगल ड्राइव की मदद से। गूगल ड्राइव जो है वो एक वेब बेस्ड स्टोरेज सिस्टम है गूगल के द्वारा ही दिया गया। तो आप जिस जो भी चीज आप कर रहे हो वो सारी की सारी वेब बेस्ड ही है, और आपको इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैसा आपको फॉर्म दिखता है। तो एक मैंने एक सैंपल फॉर्म आपके सामने खोल रखा है जिसका कि नाम असेसमेंट है, जिसमें कि हम लोग कुछ रेस्पॉन्सेज ले रहे हैं, जैसे कि नाम, उसका ईमेल पता, उसके क्विज के कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, एंड आप उससे भी कुछ रेस्पॉन्सेज ले रहे हो, और दो की दूसरा क्वेश्चन है जिसमें कि आप मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन भी ले सकते हो, जिसमें कि एक तीसरा क्वेश्चन है जिसमें आप शॉर्ट टाइप के आंसर भी ले सकते हो, कुछ डिस्क्रिप्टिव टाइप के अगर क्वेश्चन है तो आप लार्ज आंसर टाइप क्वेश्चन भी उससे ले सकते हो। तो ये आप एक फॉर्म, इस तरह का फॉर्म आप डिजाइन कर सकते हो गूगल मीट की मदद से, सॉरी गूगल फॉर्म्स की मदद से। क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं सारे जने? हाँ जी, वेरी क्लियर। ओके, प्लीज कंटिन्यू। ओके ओके, सो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म को किसी को फॉर्म को आप ओपन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको आपके आपको सबसे पहले ब्राउजर खोलना पड़ेगा। ब्राउजर के अंदर आपको यहाँ पे यूआरएल टाइप करना पड़ेगा जो कि है drive.google.com, एंड व्हेन यू एंटर इट दिस विल ओपन ए ड्राइव। तो इससे आपका ड्राइव ओपन होगा। अगर आप इसमें लॉग इन नहीं है तो आपसे आपको जीमेल का अकाउंट इसके लिए चाहिए होगा, और जब आप इससे लॉग इन करेंगे तो आपको ये ड्राइव खुला दिखाई देगा। इसमें आप लेफ्ट की तरफ देख पा रहे हैं न्यू ऑप्शन। जब आप यहाँ पे न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स के अंदर भी दो तरह के ऑप्शन आपको दिखाई देगा, एक तो है ब्लैंक फॉर्म, दूसरा है टेम्पलेट, फ्रॉम ए टेम्पलेट। ब्लैंक फॉर्म से अगर आप स्क्रैच से कोई फॉर्म बनाना चाह रहे हैं तो आप बना सकते हैं, और टेम्पलेट से खूब सारे टेम्पलेट्स पहले से ही अवेलेबल हैं गूगल के अंदर, जिसकी मदद से आप वो टेम्पलेट की मदद से आप अपना खुद का फॉर्म बना सकते हैं और उसको बाद में कस्टमाइज भी कर सकते हैं आपके उपयोगिता अनुसार। सो हम सीखने के लिए क्या करेंगे, ब्लैंक फॉर्म ही डिजाइन करेंगे। तो हम ब्लैंक फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ब्लैंक फॉर्म ओपन होगा। सबसे राइट लेफ्ट और टॉप कॉर्नर के अंदर जो अनटाइटल फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है वो फॉर्म का नाम है। तो हम अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो भी नाम आएगा वो आएगा अनटाइटल फॉर्म, और जो फॉर्म का टाइटल है वो भी क्या है, अनटाइटल फॉर्म ही है। हम सपोज कर लो इसको चेंज करना चाहते हैं तो हम अनटाइटल फॉर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना जो भी टेक्स्ट है उसको एंटर करेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे एंटर किया ए नेशनल सेमिनार, तो द फॉर्म टाइटल जो है उसका नाम क्या लगा, ए नेशनल सेमिनार। अगर हम इसको डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा एक फील्ड फॉर्म डिस्क्रिप्शन, इस पे हम क्लिक करेंगे तो इसका जो भी आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो, जिस भी बारे में ये फॉर्म है उसका अगर कोई आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो तो वहां पे दिखाई देगा आपको। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूं दिस फॉर्म मस्ट बी फिल्ड केयरफुली। तो ये जो भी फॉर्म है इसमें हमने डिस्क्रिप्शन लिखा कि ये जो भी फॉर्म आप भरे बहुत ही केयरफुली भरे। तो ये इसका टाइटल हो गया ए नेशनल सेमिनार, और इसका डिस्क्रिप्शन हो गया दिस फॉर्म मस्ट बी फिल्ड केयरफुली। आप अपने जो इच्छा है वो चाहे लिख सकते हैं इसके अंदर, जो भी आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं। तो फिर जब भी हम इसका टाइटल डिसाइड करेंगे और फॉर्म जहां पे मैं फॉर्म का नाम पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे गूगल इतना इंटेलिजेंट है कि जो भी आपने फील्ड जो भी आपने टाइटल दिया है वो के वो फॉर्म का नाम अपना आप ही सजेस्ट कर देता है।
तो इस फॉर्म का नाम भी क्या होगा, ये नेशनल सेमिनार। सो दिस फॉर्म का नाम यहाँ पे नेशनल सेमिनार है और इसका जो टाइटल है वो है ए नेशनल सेमिनार, राइट। तो नेक्स्ट जो चीज है उस पर हम आते हैं, इससे हम क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। ये जो टाइटल है जिसका कि नाम अनटाइटल क्वेश्चन है, इससे हम क्वेश्चन एंटर कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आपको एक क्वेश्चन इसके अंदर क्वेश्चन का एक फ्रेम दिखाई देगा जिसका कि नाम अनटाइटल क्वेश्चन होगा और उसमें एक ऑप्शन दिखाई देगा, ऑप्शन वन। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे अनटाइटल क्वेश्चन के ऊपर, तो आपको खूब सारे ऑप्शंस और दिखाई देंगे। तो अनटाइटल क्वेश्चन के ऊपर जब भी आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आप अनटाइटल क्वेश्चन की जगह आप अपना क्वेश्चन एंटर कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम एंटर करते हैं एंटर योर ईमेल आईडी, तो जब भी मैं ये एंटर करता हूं तो आप देखेंगे कि एंटर योर ईमेल आईडी लिखते ही मेरे को इसमें इसमें जो है वो यहाँ पे आपने क्वेश्चन लिख लिए। इसमें हम इमेज भी ऐड कर सकते हैं, इसके जस्ट पास में एक और एक बटन है जिसमें कि लिखा हुआ है इमेज, इंसर्ट इमेज। जब भी हम इसमें क्लिक करेंगे तो आप क्वेश्चंस के अंदर इमेज भी आप पुटअप कर सकते हो। इमेज के अंदर भी अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप अपलोड कर सकते हो अपने लोकल कंप्यूटर से, इसके ऊपर कैमरे से आप खा सकते हो, यूआरएल से आप दे सकते हो, फोटोज आप डाल सकते हो, ड्राइव से आपके अंदर अगर कोई इमेज अवेलेबल है तो वहां से डाल सकते हो, गूगल सर्च करके भी आप इमेज डाल सकते हो। जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बोर्ड, तो आपको जैसे ही गूगल सर्च होगा तो आपको खूब सारी बोर्ड्स यहाँ पे दिखाई दे जाएगी, और यहाँ से जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे और इंसर्ट करोगे तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको इमेज दिखाई देगी। तो ये देखिए, आपको जैसे ही मैंने गूगल सर्च किया, आपको बिना कुछ, बिना अपलोड किए हुए, बिना किसी से किए हुए, जस्ट गूगल सर्च से ही आप यहाँ पे इमेज भी इंसर्ट कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूं। नेक्स्ट जो इसके अंदर ऑप्शंस हैं वो है आंसर टाइप। जो आप रेस्पॉन्सेज लोगे, यानी कि जो आप आंसर आप रेस्पॉन्डर से लोगे, वो इतने तरीके के हो सकते हैं जो कि आपको इस ड्रैग एंड ड्रॉप मीनू से आपको दिखाई देगा। जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर। इसके अंदर हम एक ही लाइन का अगर कोई आंसर है, जैसे कि ईमेल आईडी अगर किसी से लेना है आपको, तो एक ही लाइन का आंसर होगा, तो हम जो सेलेक्ट करेंगे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है शॉर्ट आंसर सेलेक्ट करेंगे। अगर हमको आंसर जो है वो मल्टीपल लाइन का लेना है तो आप पैराग्राफ इससे सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो अगर हम लोग अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये मल्टीपल लाइन आंसर हो सकता है, तो हम इसमें पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट जो आंसर टाइप है वो है मल्टीपल चॉइस का। अगर हमारे पास खूब सारी चॉइसेस अवेलेबल है, जैसे कि व्हाट इज योर जेंडर, तो देर आर टू ऑप्शंस, आइदर इट इज मेल और इट इज फीमेल। तो अगर हम इन दोनों में से अगर कोई भी चीज सेलेक्ट करेंगे तो आपको उसमें से एक ही आंसर राइट हो सकता है, तो हम इस टाइप के आंसर को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है और उसमें से मल्टीपल क्वेश्चंस जो हैं, आंसर्स जो हैं वो अगर है, जैसे कि व्हाट इज योर हॉबी, हॉबी के अंदर जैसे कि हमने तीन चार ऑप्शंस अवेलेबल करवाए, जैसे प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग म्यूजिक और स्विमिंग एक्सेट्रा और अदर, तो हो सकता है कि तीन जो रेस्पोंडर हैं उसमें से सब में सबकी अलग अलग हॉबी हो और या फिर एक या एक से ज्यादा हॉबी हो। तो इसमें हम लोग जो सेलेक्ट करेंगे वो करेंगे चेक बॉक्सेस। नेक्स्ट जो ऑप्शन है अपने पास में वो है ड्रॉप डाउन। अगर हम कोई ड्रॉप डाउन मेन्यू देना चाहते हैं तो हम लोग इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट एक और जो आंसर टाइप है, जैसे कि हम कोई फाइल अपलोड करना चाहते हैं, जैसे कि हमने कुछ टास्क दिया है कि आप रिपोर्ट अपनी सबमिट करो, प्लीज सबमिट द रिपोर्ट हियर, तो वो अगर पीडीएफ में सबमिट करना चाहता है रिपोर्ट, तो हम लोग जो है वो फाइल अपलोड का ऑप्शन उसको देंगे। लीनियर स्केल, जैसे कि अखिलेश जी ने पहले बताया है कि हमको अगर रेटिंग देनी है, अगर किसी में रेटिंग देनी है, अगर अपन को 1 से लेके 5 या 1 से लेके 10 तक रेटिंग देनी है, तो हम इस ऑप्शन का यूज ले सकते हैं लीनियर स्केल। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है मल्टीपल चॉइस ग्रिड। इसमें कि हमको मैच द फॉलोइंग, जिस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि कुछ सर्टेन टाइप के क्वेश्चंस जो है वो ए साइड में होते हैं और कुछ आंसर्स जो होते हैं वो बी में होते हैं और हमको उसको मैच करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम जो है वो ये सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट जो है, अगर ये भी सिमिलर ही है मल्टीपल चॉइस ग्रिड के, लेकिन इसमें मल्टीपल ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं बी साइड के अंदर।
नेक्स्ट जो आंसर टाइप है वो है डेट। अगर हम किसी की डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं, जैसे पूछ रहे हैं व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, तो हम लोग जो है वो इस ऑप्शन का उपयोग ले सकते हैं, तो डेट ऑप्शन उसमें यूज आ जाएगा। नेक्स्ट है टाइम। अगर हम टाइम किसी से ले रहे हैं, जैसे कि 3 PM 4 PM आप कब आएंगे इस इवेंट के अंदर, इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हम टाइम भी उसमें ले सकते हैं, राइट। सो अगर हम सबसे पहला हमने क्वेश्चन डाला व्हाट इज योर ईमेल आईडी, तो अगर आपने देखा हो तो ये अपना आप ही इतना इंटेलिजेंट है गूगल कि इसने अपना आप ही आपको सेलेक्ट कर दिया है शॉर्ट आंसर के ऊपर। तो इधर जो है वो आप शॉर्ट आंसर दे सकते हैं। इसमें तीन ऑप्शंस और नीचे दिखाई दे रहे हैं हमको, एक तो है डुप्लीकेट। अगर इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये पूरा पूरा क्वेश्चन ऐसे ऐसे ही वापस रिपीट हो जाएगा नीचे। इसका ये फायदा है कि अगर हम इस सेम टेम्पलेट का ही कोई क्वेश्चन बना रहे हैं तो हमको बार 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 सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है उसके आंसर टाइप को, तो ये यहाँ पे जरूरत हो सकती है। तो जैसे कि एंटर योर नेम हम यहाँ दे सकते हैं डायरेक्टली, तो दूसरा क्वेश्चन ये हो गया हमारे पास में, इस डुप्लीकेट का ये यूज है। तो यहाँ पे जो भी रेस्पॉन्डर होगा वो अपना नाम दे देगा। नेक्स्ट जो इसमें ऑप्शन है वो है इसी के पास में, डुप्लीकेट के पास में, डिलीट। अगर हम चाहते हैं कि ये पूरा पूरा जो क्वेश्चन है वो डिलीट हो जाए, तो हम इस पे क्लिक करके इसको पूरा डिलीट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो भी वो क्वेश्चन मैंने एंटर किया था वो डिलीट हो गया। हम यहाँ से एंडू भी कर सकते हैं उसको, तो हम जैसे ही एंडू करेंगे वापस वो के वही क्वेश्चन आ जाएगा, राइट। अगर हम कोई नया क्वेश्चन और ऐड करना चाहते हैं तो हमारे पास में यहाँ पे राइट हैंड साइड के अंदर खूब सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास में, जैसे कि ऐड क्वेश्चन। ऐड क्वेश्चन करते ही मेरे पास नया एक क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। सो देर आर सर्टेन ऑप्शंस अवेलेबल हियर ऑन द राइट हैंड साइड। आप राइट हैंड साइड के अंदर और भी ऑप्शंस देख पाएंगे, जैसे कि ऐड क्वेश्चन। अगर हमको कोई और भी क्वेश्चन ऐड करना है तो हम लोग यहाँ पे प्लस बटन जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे ऐड ऑप्शन दे रखा है, तो इससे हम एक और क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देखो एक नया एक फ्रेम जो है क्वेश्चन का वहां पे अपीयर हो गया है, तो हम यहां से भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि जेंडर, व्हाट इज योर जेंडर। ओके, सो जेंडर, जेंडर मस्ट बी मल्टीपल चॉइस आंसर। सो ऑप्शन वन इज मेल, सेकेंड ऑप्शन, व्हेन आई क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट द फीमेल। ओके, सो दिस इज द इंटेलिजेंस ऑफ Google itself. So I need not to enter the female. हमको female enter करने की जरूरत नहीं है, अपना आप ही female आ गया यहाँ पे, ये Google की intelligence है। हम चाहते हैं कि frequently not say, तो हम ये भी अपना आप option आ गया, जो भी मेरे को enter करना था वो predefined पहले से ही आ गया, ये intelligence है Google की, पहले से ही जो भी आ जाता। अगर हम इस option के अंदर कोई image डालना चाहते हैं तो इसके right hand side के अंदर add image का option भी आता है। हम लोग ऐसे कोई option हो जिसमें कि image दिखाना चाहते हैं तो भी आ सकता है। इसके ही नेक्स्ट एक रिमूव का ऑप्शन आता है, हम चाहते हैं कि ये ऑप्शन को रिमूव कर दे तो हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे सपोज कर लो मैं रिमूव करना चाहता हूँ प्रिफरेबली नॉट से को, तो मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो वो जो ऑप्शन है वो जो है वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ प्रिफरेबली या अदर। ओके, सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड। इसमें हम इम्पोर्ट भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, जैसे कि अपने पहले से ही कोई फॉर्म बना रखा है और हम लोग उसमें चाहते हैं कि वो के वही क्वेश्चन इस फॉर्म के अंदर भी रिपीट हो जाए, तो हम इंपोर्ट क्वेश्चन से भी कर सकते हैं। कोई आप अलग से टाइटल और डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं किसी मल्टीपल क्वेश्चंस के लिए, तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और टाइटल भी दे सकते हैं। आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं बीच में क्विज के, आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं और आप सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि वीडियो सेक्शन, सेक्शन के अंदर क्या होगा कि दो पेजेस में वो क्विज, अगर आपका क्विज बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप उसको दो सेक्शन के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं ऐड सेक्शन देके। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि सेक्शन वन तो जो है वो ऊपर चला गया था और फिर सेक्शन टू जो है उस सेक्शन का आप नेम दे सकते हैं, सपोज करो नेक्स्ट सेक्शन, और इसका आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं चाहे तो, डू इट योर सेल्फ। और इसमें भी आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं कुछ भी चाहे तो। तो इस तरह से आप पूरा पूरा जो है वो फॉर्म बना सकते हैं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट ऑप्शन है रिक्वायर्ड, जैसा कि आप देख रहे होंगे एमएस फॉर्म के अंदर भी अवेलेबल था रिक्वायर्ड। अगर ऑप्शन आप अवेलेबल करेंगे, इसको ऑन करेंगे,
तो जो आंसर है उसको देना मैंडेटरी हो जाएगा रेस्पोंडर के लिए। रेस्पोंडर अगर इसका आंसर नहीं देता है तो वो फॉर्म सबमिट ही नहीं कर पाएगा अगर ये रिक्वायर्ड ऑप्शन ऑन है तो। इसमें एक और बहुत अच्छा एक ऑप्शन है कि आप अगर इसमें खूब सारे ऑप्शन हैं अगर अवेलेबल तो यहाँ पे मोर ऑप्शन पे जाके और इसमें सफल ऑप्शन ऑर्डर भी कर सकते हैं। यानी कि जो रेस्पोंडर हैं हर एक जो रेस्पोंडर है यानी मान लो आपके 50 अगर रेस्पोंडर है तो उन 50 को जो ऑप्शन आएंगे उसका सीक्वेंस सेम नहीं रहेगा। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ये जो है वो सफल होके उसके पास दिखाई देंगे। तो अगर आप इससे क्विज बना रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप जो है उसको सफल करें ऑप्शन को। तो ये इसमें एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें कि आप मोर ऑप्शन पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। इस अगर फॉर्म को आपने जैसे ही डिजाइन कर लिया है तो आप इसकी थीम भी चेंज कर सकते हैं। सबसे ऊपर यानी कि टॉप राइट कॉर्नर के अंदर कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है अपने पास में। सबसे पहला जो है वो कस्टमाइज थीम है, तो आप इसकी थीम भी कस्टमाइज कर सकते हैं। कुछ आप हेडर, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं थीम ऑप्शन। इसमें आप चूज भी कर सकते हैं कुछ इमेजेस को, तो जैसे कि कुछ प्री डिफाइंड हेडर्स जो है वो आपको पहले से ही दिख जाएंगे। जैसे कि आपको किसी का लोगो या कोई हेडर यूनिवर्सिटी का लगाना है तो आप यहां से अपलोड भी कर सकते हैं उसको। कुछ फोटोज जो आपकी हैं वो भी आप अपलोड कर सकते हैं इसके अंदर हेडर के अंदर। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं अभी कुछ प्री डिफाइंड गूगल के द्वारा ही हेडर दिए गए हैं उसके उसको ही हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि मान लो मैंने ये सेलेक्ट किया है और इंसर्ट किया है तो आप देखेंगे कि सबसे ऊपर एक हेडर आपको हेडर आ गया आपके पास, राइट। आप इसका कलर ये इंटेलिजेंटली इस इमेज के बिहाफ पे अपने आप ही कलर इसको सेट कर सकता है और अपने आप ही इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता है। तो गूगल की इंटेलिजेंस इस फॉर्म के साथ बढ़ती जा रही है और मेरे को लगता है कि आने वाले समय के अंदर ये इतना इंटेलिजेंट होगा कि थीम की जगह आपको क्वेश्चन भी अपने आप ही पुटअप करने के लिए बोल देगा। तो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस इसके अंदर बढ़ती जा रही है। आप जो है हालांकि अगर आपको ये कलर पसंद नहीं है इसका तो आप और भी चेंज कर सकते हैं, जैसे इसको रेड भी कर सकते हैं। तो रेड हो गया देखो आपका सेक्शन, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर आपको अगर ये नहीं चाहिए और चेंज करना है तो आपको डार्केस्ट पिंक करना है तो आपको यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई फॉन्ट की स्टाइल बेसिक से आपको फॉर्मल करनी है तो आप देखो कि फॉर्मल हो गई है ये। तो इस तरह से आप जो है उसको थीम को पूरा जो भी है पूरा पूरा जो फॉर्म है उसकी थीम आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसी के अंदर टॉप राइट के अंदर वो है प्रीव्यूइंग। प्रीव्यूइंग मीन्स अगर आपको ये फॉर्म सेंड करने से पहले कैसा दिख रहा है अपने ही एंड के ऊपर, तो आप इस प्रीव्यू के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो भेजने से पहले आप जरूर इसको प्रीव्यू करें कि कैसा दिख रहा है आपको। जो रेस्पॉन्डर है आपके जो भी इस फॉर्म को फिलअप करेंगे उसको कैसा दिखाई देगा वो पहले एक बार जरूर चेक कर लें आप। तो आप देख रहे होंगे जैसा कि हमने हेडर ऐड किया है तो आपको हेडर सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, ये फॉर्म की टाइटल है ए नेशनल सेमिनार सबसे ऊपर दिखाई देगा। फिर इसकी डिस्क्रिप्शन है दिस फॉर्म मस्ट बी फिल्ड केयरफुली, तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। सबसे पहला जो आ रहा है वो ईमेल आईडी आपको ये यहाँ पे भरना होगा। यहाँ पे नेम जो है वो नेम आपको ऐड करना पड़ेगा। जेंडर जो है वो जेंडर आपको भरना पड़ेगा। फिर आप नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे क्योंकि हमने सेक्शन यहाँ पे ऐड कर रखा था और जो पहला जो क्वेश्चन था जिसमें कि हमने कोई क्वेश्चन डाला नहीं है वो रिक्वायर्ड है। स्टार मीन्स रिक्वायर्ड, यहाँ पे देख रहे होंगे स्टार और यहाँ पे देख रहे होंगे आप रिक्वायर्ड। अगर आप ये ऑप्शन फिल अप नहीं करेंगे तो ये फॉर्म सबमिट होगा ही नहीं, समझ रहे हैं। तो ये प्रीव्यू जरूर कर लें आप फॉर्म जब भी डिजाइन करें, आप जो भी फॉर्म डिजाइन करें तो आप इसको जरूर जरूर प्रीव्यू कर लें कि कैसा आपको दिखाई दे रहा है ये फॉर्म, राइट। नेक्स्ट जो चीज है वो है आपके इसमें एडवांस ऑप्शंस भी खूब सारे अवेलेबल है जिसमें कि आप सेटिंग में जाके इसको देख सकते हैं। जब भी हम सेटिंग पे जाके क्लिक करेंगे तो इसमें तीन टैब आती हैं। पहला है जनरल टैब, सेकंड है प्रेजेंटेशन टैब और थर्ड है क्विजेज टैब। जो पहली टैब है उसके अंदर खूब सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। जो पहला ऑप्शन है कलेक्ट ईमेल एड्रेस, अगर आप इसको चेक कर देंगे तो जो भी आपका फोन जो भी आपका रेस्पोंडर है उसका जो ईमेल एड्रेस है वो आपके पास जरूर लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अब जब भी हम इसको आप इसको चेक कर देंगे तो हम जो रेस्पोंडर है उसको एक ही रेस्पॉन्स पे लिमिट कर सकते हैं। जैसा कि अपन देख रहे थे पहले गूगल सॉरी माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म के अंदर के एक जो है कंटेस्टेंट ने दो फिल कर दिए थे फॉर्म, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक जो रेस्पोंडर है वो एक ही रेस्पॉन्स कर सके। तो हम लोग जो है वो इसको
लिमिट टू वन रेस्पॉन्सेस पे क्लिक कर देंगे. ओके, तो इसके लिए जो है गूगल से साइन इन करना पड़ेगा उसको, रेस्पॉन्डर को, और वो एक ही जो है रेस्पॉन्स दे पाएगा. फिर नेक्स्ट ऑप्शन अपने पास आता है रेस्पॉन्डर कैन. फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर कैन एडिट आफ्टर सबमिट, यानी कि अगर उसने पहले ही सबमिट कर दिया है और उसके बाद वो एडिट करना चाहता है फॉर्म को, तो हम उसको अनेबल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं ये हमारे ऊपर है, वो इस ऑप्शन की मदद से होता है. सी समरी चार्ट एंड टेक्स्ट रेस्पॉन्सेस, यानी कि अगर वो टेक्स्ट रेस्पॉन्सेज जो उसने दिए हैं, जो भी आए हैं टेक्स्ट रेस्पॉन्सेज और जो भी समरी चार्ट है, वो अगर देखना चाहता है तो क्या हम रेस्पॉन्डर को दिखाना चाहते हैं क्या, अगर दिखाना चाहते हैं तो हम इसको चेक करेंगे, अदरवाइज जो है उसको अनचेक ही रखेंगे. नेक्स्ट टैब जो है वो है प्रेजेंटेशन टैब का. प्रेजेंटेशन टैब में वो चीज़ें आएंगी जो कि हम रेस्पॉन्डर को और ज़्यादा दिखाना चाहते हैं, यानी कि अपना फॉर्म कैसा प्रेजेंट हो. इसमें सबसे पहला ऑप्शन है शो प्रोग्रेस बार, यानी कि जितना जितना वो फॉर्म जितने जितने वो सेक्शन भरता जाएगा उसके नीचे जो है जो फॉर्म है उसके नीचे एक प्रोग्रेस बार भी दिखाई देगी अपन को. तो हम इसको चेक कर देते हैं प्रोग्रेस बार को और देखेंगे क्या चेंजेस आए अपने फॉर्म के अंदर. सफल नेक्स्ट जो ऑप्शन है अपने पास है सफल क्वेश्चन ऑर्डर. ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इसके अंदर. अगर हम इसको चेक कर देते हैं सफल क्वेश्चन ऑर्डर, तो जितने भी रेस्पॉन्डेड हैं उसको क्वेश्चन भी सफल होके दिखाई देंगे. यानी कि जो पहला क्वेश्चन अगर एक रेस्पॉन्डर को दिखाई दे रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि दूसरे रेस्पॉन्डर को भी वो पहला क्वेश्चन वो के वही दिखाई दे. जैसा कि हम ऑप्शन को सफल कर रहे थे वैसे हम क्वेश्चन को भी यहाँ पे सफल कर सकते हैं. तो ये कुछ ऑप्शन है. नेक्स्ट जो टैब है हमारे पास में है वो क्विज. हम इस जो है हम इस पूरे फॉर्म को अगर क्विज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमको यहाँ से क्विज टैब्स का मेक दिस ए क्विज को ऑन करना पड़ेगा. जब हम इसको ऑन करेंगे तो हमको यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे कि रिलीज ग्रेड. हम इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, अगर हम चाहते हैं कि जैसे ही वो फॉर्म सबमिट करे या क्विज को जो है वो भर ले, तो हम उसको डायरेक्टली जो भी उसने सबमिट किया है वो ग्रेड जो है उसको सबमिट करने के बाद ही दिखाई दे जाए. या फिर हम ऐसा भी चाहते हैं कि हम कभी बाद में मैन्युअली उसको रिव्यू करके और बाद में उसकी ग्रेड देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, राइट. नेक्स्ट ऑप्शन इज रेस्पॉन्डर कैन सी व्हाट रेस्पॉन्डर कैन सी मिसिंग क्वेश्चन. अगर हम उसको चाहते हैं ये दिखाना कि भाई उसने कौन से मिस्ड कर दिए क्वेश्चन, कौन से करेक्ट क्वेश्चन कर दिए हैं, या क्या पॉइंट की वैल्यू है, यानी कि हर एक क्वेश्चन की कितनी मार्क्स हैं, वो हमें सब रिस्पॉन्डर को दिखाना चाहते हैं, तो इसको सबको हमको ऑन करना पड़ेगा, राइट. तो अभी हम इसको एक क्विज नहीं बना रहे हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन के अंदर शो प्रोग्रेस बार कर लिया और सफल क्वेश्चन ऑर्डर कर लिया, यानी कि इससे हमको एक प्रोग्रेस बार नीचे दिखाई देगी और जो भी क्वेश्चन रेस्पॉन्डर के पास जाएंगे वो एज ए सेम सीक्वेंस के अंदर नहीं होंगे, हर एक रेस्पॉन्डर के अलग सीक्वेंस के अंदर होंगे. और हम इसको सेव करेंगे जैसे ही और इसको प्रीव्यू करेंगे देखेंगे हम, तो आपको दिखाई देगा ये प्रोग्रेस बार. दिखाई दे रही है आपको? आपको दिखाई दे रही है प्रोग्रेस बार? हाँ जी, नजर आ रही है जी. तो ये पहला सेक्शन, यानी कि इसमें इसके अंदर दो पेजेस हैं, जो पहला पेज है और ये पेज वन ऑफ टू, यानी कि ये पहला सेशन है इसका, यानी कि आपका जो प्रोग्रेस बार है वो 50% के ऊपर होंगे और भी अगर कोई सेक्शन आपने ऐड किया तो वो सब्सिक्वेंटली इसके अंदर ऐड होता जाएगा और प्रोग्रेस बार उसकी तरह एक्ट करेगी. जैसे ही हम सेकेंड सेक्शन पे जाएंगे तो अगर आपने प्रोग्रेस जैसे ही आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है तो आगे जाएगा नहीं, तो आपने जैसे ही मान लो यहाँ पे ये दिया ईमेल एड्रेस और नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये नेक्स्ट सेक्शन के अंदर आ गया और प्रोग्रेस बार जो है वो 100% के ऊपर शिफ्ट हो गई है, यानी कि आप अब लास्ट सेशन के ऊपर हो, लास्ट सेक्शन के ऊपर हो और आप सबमिट कर सकते हो इसको. तो जैसे ही हम लोग यहाँ से सबमिट करेंगे इसको ओके करके, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास एक रेस्पॉन्सेज आ गए हैं. हमने प्रीव्यू के अंदर भी अगर यहाँ पे कोई रेस्पॉन्स दिया है तो आपको यहाँ पे रेस्पॉन्स दिखाई देगा. रेस्पॉन्स के अंदर भी तीन टैब है, सबमरी, क्वेश्चंस और इंडिविजुअल. अगर आप सबमरी देखना चाहते हैं इसके अंदर, यानी कि किसने रेस्पॉन्ड किया है, तो उसकी सारे की ईमेल एड्रेस आ जाएगी. जैसे कि मैंने अभी रेस्पॉन्ड किया है narora@vmou.ac.in से, तो मेरे को यहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस दिखाई दे जाएगा.
एंटर योर ईमेल आईडी, हमने एक क्वेश्चन भी पूछ रखा है कि आपका ईमेल एड्रेस एंटर करिए, तो यहाँ पे अगर आपने कोई ऑप्शन नहीं दिया तो नहीं दिया है तो जीरो रेस्पॉन्सेज आएंगे, और अगर दिया है तो यहाँ पे शो करेगा एंटर योर नेम, तो मैंने यहाँ पे एंटर किया है नीरज अरोड़ा, तो यहाँ पे एंटर हो गया। अगर हमने जेंडर पे कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं किया है तो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आएंगे, और कोई भी नेक्स्ट सेक्शन के अंदर जो भी हमने क्वेश्चन पूछा था उसका एक एनालिसिस टाइप का यहाँ पे बन जाएगा। तो ये सारे रेस्पॉन्सेज आप यहाँ पे समरी देख सकते हैं उसकी, हर एक क्वेश्चन को इंडिविजुअल भी आप देख सकते हैं कि आपने क्या क्या क्वेश्चन पूछा था, जैसे कि एंटर योर ईमेल आईडी, तो जैसे ही आपने रेस्पॉन्सेज पे क्लिक किया है तो रेस्पॉन्स आया है narora@vmou.ac.in, तो आप डायरेक्टली इस पे भी देख सकते हैं। इंडिविजुअल का पूरा फॉर्म भी देख सकते हैं, जैसे कि मान लो कि तीन लोगों ने अप्लाई किया है यहाँ पे, तो अभी हालांकि एक ही लोगों ने अप्लाई किया है, एक ही लोगों ने फॉर्म को फिलअप किया है, तो आप इंडिविजुअल फॉर्म भी देख सकते हैं। जैसे एन अरोरा का आपने फॉर्म ये पूरा देख रहे हो आप कि उसने क्या फिलअप किया है, एन अरोरा में उसने ईमेल आईडी डाल रखी थी और उसने नेम भी दे रखा था, जेंडर उसने फिलअप नहीं किया था, और फिर उसने ऑप्शन के अंदर ऑप्शन वन क्लिक कर रखा था। तो ये सारे के सारे जो रेस्पॉन्सेज हैं उसको आप जो है यहाँ से भी देख सकते हैं, और उसको प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, प्रिंट ऑप्शन है, उसको डिलीट भी कर सकते हैं आप चाहें तो, जो भी रिस्पॉन्ड अगर किसी ने दिया है तो आप उसको रिस्पॉन्ड भी डिलीट भी कर सकते हैं। इसमें एक और जो सबसे अच्छा जो फीचर है इसका वो ये है कि आप इस रेस्पॉन्सेज को एक एक्सेल शीट के अंदर ले सकते हैं, जो कि गूगल स्प्रेडशीट जिसका नाम है, आपने एक्सेल शीट जरूर देखी होगी, लेकिन गूगल की अपने आप में एक एक्सेल शीट जैसी एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है गूगल स्प्रेडशीट। तो यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड के अंदर एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्रिएट स्प्रेडशीट, जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो जितने भी रेस्पॉन्सेज आए हैं वो एक गूगल स्प्रेडशीट के अंदर बन जाती है, और जो कि सेव होती है गूगल ड्राइव के ऊपर। तो जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे, तो हमको एक इस जो रेस्पॉन्सेज हैं उसका न्यू स्प्रेडशीट का नाम पूछेगा आपको, तो हमने यहाँ पे नाम जो है वो गूगल गूगल फॉर्म का जो नाम है, फिर ब्रैकेट में रेस्पॉन्सेज, ये इसका डिफॉल्ट नाम होता है तो हम यही रहने देते हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं उस स्प्रेडशीट का नाम, और हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे इसको, तो आप देखेंगे कि ब्राउजर के अंदर ही वो जो रेस्पॉन्सेज आए थे वो आपको फिलअप हुए हुए दिखाई देंगे। ये गूगल स्प्रेडशीट है, और गूगल स्प्रेडशीट के अंदर सबसे पहला जो कॉलम है वो टाइम स्टैम्प है, यानी कि उस फॉर्म को कौन सी तारीख और कितनी बजे भरा गया है वो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, उसका ईमेल एड्रेस अगर उसने भरा है तो एंटर योर ईमेल आईडी, इसका कोई रेस्पॉन्स दिया है तो एंटर योर नेम अगर उसने दिया है तो, जेंडर उसने अगर दिया है तो, और कुछ अदर ऑप्शंस अदर क्वेश्चंस जो हैं उसके कोई भी ऑप्शंस जो हैं वो उसने सेलेक्ट किए हैं, तो सारे के सारे जितने भी रेस्पॉन्सेज हैं वो सारे के सारे यहाँ दिखाई देंगे हमको। तो मैं भी आपके साथ में एक ये जो मैंने फॉर्म बनाया है असेसमेंट का, एक फॉर्म अवेलेबल है टेम्पलेट के अंदर, इसको मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो शेयर करने के लिए इसमें एक ऑप्शन है सबसे टॉप राइट के अंदर, सेंड ऑप्शन। तो जब आपका फॉर्म रेडी हो जाता है और आप प्रीव्यू करके उसको देख भी लेते हैं कि बहुत सही दिख रहा है अपन को फॉर्म, एकदम सही दिख रहा है ये फॉर्म, तो हम लोग इसको रेडी हैं जो रेस्पॉन्डर है उसका रेस्पॉन्सेज लेने के लिए। तो इस रेस्पॉन्ड को लेने के लिए हमारे पास में एक ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, सेंड ऑप्शन। तो जब हम सेंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सेंड वाया दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, सेंड वाया ईमेल, हम उसको ईमेल भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर ईमेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा, उसका सब्जेक्ट जो भी डालना चाहते हैं आप वो सब्जेक्ट डाल सकते हैं, और उस पर्टिकुलर जो ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर वो फॉर्म चला जाएगा, और वहाँ से वो जो रेस्पॉन्डर है वो उसके ऊपर रेस्पॉन्स दे पाएगा। जो सेकेंड ऑप्शन है वो है सेंड वाया लिंक। तो अगर हम ये लिंक देते हैं किसी को भी, जैसे कि हम मेरे को किसी ग्रुप के अंदर इस फॉर्म से फीडबैक लेना है, तो मैं यहाँ पे इस लिंक को जो है कॉपी करके और आपके चैट बॉक्स के अंदर डालूंगा तो आप उस फॉर्म को खोल पाएंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि इतना बड़ा लिंक ना दिखाई दे और इसको हम छोटा कर दें, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास में शॉर्टेंड URL करके। अगर इसको मैं चेक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये पूरा जो फॉर्म इतना बड़ा, फॉर्म का लिंक जो है वो इतना बड़ा दिख रहा था वो इतना शॉर्ट हो गया है। तो ये फॉर्म का जो है वो शॉर्टेंड जो URL है उसको मैं कॉपी करता हूँ और आपके जो चैट बॉक्स है उसमें डाल देता हूँ, तो आपको दिखाई देगा।
तो आप इस फॉर्म को खोल पाएंगे अभी थोड़ी देर में। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो ये है एम्बेडेड एचटीएमएल। अगर मान लो कि आपकी कोई वेबसाइट या ब्लॉग चल रहा है और आप जो रेस्पॉन्सेज लेना चाहते हैं वो एम्बेडेड एचटीएमएल यानी कि फॉर्म पे जाए बिना आप जो है वेब पेज अपना जो या जो ब्लॉग है उसी से ही आप वो रेस्पॉन्सेज लेना चाहते हैं, तो आप इस कोड को कॉपी करके और उसी ब्लॉग की एचटीएमएल फाइल के अंदर उसको पेस्ट करेंगे तो वो जो फॉर्म यहाँ पे जो दिखाई दे रहा था वो उसी ब्लॉग से या उसी पेज जो है वेबसाइट के वहां पे दिखाई देगा और वहां से आप डायरेक्ट भर के और उसको जो है वहां पे ही सबमिट कर पाओगे, आपको फॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। जो और भी ऑप्शंस है जैसे कि शेयर फॉर्म वाया फेसबुक, आप फेसबुक पे भी यहाँ से डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं, इसको क्लिक कर सकते हैं क्लिक करके, और शेयर वाया ट्विटर, आप ट्विटर पे भी इसको शेयर कर सकते हैं फॉर्म को, जैसे ही फॉर्म पे क्लिक होगा और वहां से जो है फॉर्म खुलेगा और रेस्पॉन्सेज आप दे सकते हैं, राइट। इसके बाद में कुछ और ऑप्शंस अवेलेबल है अपने पास में जो कि मोर ऑप्शंस जो है मोर के अंदर अवेलेबल है, जैसे कि आप किसी अंडू करना चाहते हैं ऑपरेशन को, कोई आपने पहले ऑपरेशन किया है और आप उसको जो है वापस आपको सही नहीं लग रहा है और उसको अंडू करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन अवेलेबल है। इसी फॉर्म की अगर आप एक कॉपी बनाना चाहते हैं तो ऑप्शन अवेलेबल है। इस पूरे फॉर्म को जो है वो आप ट्रैश यानी कि आप जो है वो इसको पूरे फॉर्म को डिलीट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। गेट प्री फिल्ड लिंक, अगर आप कुछ पहले से ही लिंक जो है वो आप पहले से ही फिलअप फॉर्म को ही देना चाहते हैं किसी को तो भी आप यहां से दे सकते हैं, आप उस पूरे फॉर्म को प्रिंट भी कर सकते हैं। ऐड कोलैबोरेटर्स यानी कि आप कोलैबोरेटर को भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप एक साथ मिलके एक साथ पांच छह लोग मिलके एक ही फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं। यहां से आप ऐड कोलैबोरेटर करेंगे तो एक ही साथ के अंदर आप चार या पांच लोग इस फॉर्म को एडिट कर पाएंगे। स्क्रिप्ट एडिटर यानी कि आपको अगर कोई कोडिंग वाइज इसके अंदर चेंज करनी है, डेवलपमेंट टूल है ये, तो अगर आपको कोडिंग वाइज इसके अंदर कोई चेंजेस करने हैं तो स्क्रिप्ट एडिटर भी यूज में आ जाता है। इसमें खूब सारे और भी एड ऑन्स आते हैं जो कि बेसिक जो फंक्शनलिटी है, इसके अलावा भी आपको कुछ और चाहिए तो काफी लोगों ने इसमें एड ऑन्स भी बना रखे हैं, उस पर क्लिक करके आप इसको एड ऑन्स भी आप ले सकते हैं। प्रिफरेंस से आप और भी खूब सारे ऑप्शंस जो हैं इसको आप एलोबरेट करेंगे खुद ही, क्योंकि इसमें भी खूब सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो कुल मिला के गूगल फॉर्म के अंदर खूब सारे जो है अवेलेबल है ऑप्शंस। तो मैं यहाँ पे देखता जा रहा हूँ कि काफी लोगों ने फिलअप भी कर लिया है इसको, दो रेस्पॉन्सेज मेरे पास आ चुके हैं पहले से ही। तो सोमनाथ गोस्वामी जी का आ गया है ऐसे रेस्पॉन्स, और आशीष कुमार दुबे जी का भी आ गया है ऐसे। तो ये दो ऑप्शंस आप रेगुलरली यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने रेस्पॉन्स दे दिए हैं, और इस रेस्पॉन्सेज की आप जो है वो स्प्रेडशीट भी बना सकते हैं जो कि गूगल स्प्रेडशीट है जो कि फ्रीली अवेलेबल है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है, वो एक प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर है और उसके पैसे चार्ज करता है। ये एक ऐसा गूगल स्प्रेडशीट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि वेब बेस्ड है, एक तो सबसे पहली बात, तो आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है इसको, आप अपने वेब ब्राउजर से ही डायरेक्ट इसको ओपन कर सकते हो, और जितने भी ज़्यादा फंक्शनलिटी है मोटा मोटा तौर पे एक्सेल की वो सारी की सारी फंक्शनलिटी इसके अंदर आ जाती है। तो मैं यहाँ पे जैसे ही स्प्रेडशीट पे क्रिएट स्प्रेडशीट पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे को एक न्यू स्प्रेडशीट बोलेगा। जैसे ही मैं इसको क्रिएट करता हूँ तो जो भी रेस्पॉन्सेज मेरे पास आए हैं उसकी एक एक्चुअल शीट बन जाएगी मेरे पास में। तो मेरे पास दो रेस्पॉन्सेज आए हैं, सोमनाथ गोस्वामी जी का और एक आशीष कुमार दुबे जी का, इनका ईमेल एड्रेस मेरे पास आ गया है और ऑप्शंस भी इन्होंने जो सिलेक्ट किए हैं वो मेरे पास आ चुके हैं। तो इस तरह से हम एनालिसिस भी कर सकते हैं, जैसे कि सर्वे भी चाहते हैं, अगर आप सर्वे करना चाहते हैं तो कई लोग जो है रिसर्च के दौरान सर्वे करते हैं तो वो इस फॉर्म की मदद से कर सकते हैं, और एनालिसिस पार्ट भी ये खुद ही कर देता है। तो ये पूरा था फॉर्म जो था उसकी तरफ से, अगर आपका कोई और कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओ, मुझे लगता है अगर क्वेरीज नहीं है तो हम यहाँ वाइंड अप करेंगे आपका सेशन, और अगर कोई क्वेरीज होंगी तो फिर उनको बाद में भी ले लेते हैं। मैं फिर डॉक्टर हिमांशु दास जी को इनवाइट करना चाहूंगा कि वो अपने रिमार्क्स इस वेबिनार के बारे में दें, जिन्होंने सारे हमारे वेबिनार्स आगे एक सीरीज ऑफ वेबिनार्स फैसिलिटेट किए हैं और जिन्होंने हमें ये एक गाइडलाइंस दी हैं कि हर कोऑर्डिनेटर कम से कम 10 वेबिनार्स जरूर कंडक्ट करें, और उसके बाद 10 के बाद वो रुकना नहीं है, आगे और कंटिन्यू करना है, और उसी
सिलसिले को ध्यान में रखते हुए आज का ये वेबिनार कंडक्ट किया जा रहा है। सर, जी, सर, हाँ, पंकज आप पूछो। इजी है सर, मैं अच्छा आप करेंगे तो पहले हम अपना थर्ड टेक्निकल सेशन शुरू करते हैं और पिछले कई दिनों से जो हम वेबिनार यहाँ कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट में वो सारे वेबिनार्स को डॉक्टर पंकज और उनकी टीम ने फैसिलिटेट किया है और आज भी हम देख रहे हैं कि जो वेबिनार यहाँ वेबिनार कंडक्ट करने के लिए जो वेबिनार किया जा रहा है उनको भी उसको भी पंकज जी ने फैसिलिटेट किया। तो मैं खुद भी अब पंकज जी को इनवाइट करूंगा जो एक टेक्निकल सेशन हमारे साथ लेंगे और फॉर्म फिलअप करने और इस वेबिनार को कंडक्ट करने के बारे में हमें कुछ जानकारियां देंगे। आइए पंकज। नमस्कार सभी को, थैंक यू सर इस अपॉर्चुनिटी के लिए। हम लोग यहाँ पर सुबह मतलब 3 बजे के आसपास से हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह से फॉर्म जनरेट करेंगे और ये आपको किस प्रकार से मदद कर सकता है कि यदि आप कोई वेबिनार से डाटा लेते हैं। सिर्फ ये वेबिनार से डाटा इकट्ठा करने की बात नहीं हो रही है, ये बात कहीं और ज्यादा एक्सटेंड होती है कि आप इसकी मदद से कोई एक छोटा रिसर्च कर रहे हैं, कोई छोटा ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसपे आप चाहते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, कोई आपने कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया बाद में ऑफलाइन भी ऑर्गेनाइज किया, आप चाहते हैं कि कुछ फीडबैक मिल जाए, तो बजाय पन्नों के जो फॉर्म आप इकट्ठा करते हैं जैसा डॉक्टर अखिलेश ने कहा, जैसा डॉक्टर नीरज अरोड़ा जी ने कहा कि हम जो पर्चे इकट्ठा करते हैं, पन्ने बर्बाद करते हैं, ऐसे ही पेपर सेव करना चाहिए, उसके बजाय आप एक लिंक जनरेट कर सकते हैं एक फॉर्म का और उस लिंक पर जाकर के कोई भी व्यक्ति अपने आप जो अपेक्षा कर रहे हैं उनसे, जिस तरह के आप अपेक्षा कर रहे हैं कि ये इन इन बिंदुओं पर अपनी प्रतिक्रिया दें, तो अपने रिस्पॉन्सेज उन उन पॉइंट्स पर दे सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है जो ये ऑनलाइन फॉर्म्स है। ऑनलाइन फॉर्म्स के लिए 2 मेजर हमारे पास प्लेटफॉर्म मौजूद है, जो माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स के रूप में है और दूसरा गूगल फॉर्म्स के रूप में। दोनों के लिए एक शर्त है, मैं उन्हीं सब बातों को थोड़ा फोकस फिर से कर रहा हूं कि दोनों के लिए एक शर्त है। यदि आप माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, दोनों में बहुत फीचर्स है, तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट पे अकाउंट होना चाहिए। और माइक्रोसॉफ्ट पे अकाउंट कैसे बनाए, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है आउटलुक पे आप अकाउंट बना सकते हैं। outlook.com एक माइक्रोसॉफ्ट का है, आप वहां जाकर के जिस तरह से जीमेल में आपने अकाउंट बनाया है आप आउटलुक पे जाकर एक अकाउंट बना सकते हैं। उस आईडी पासवर्ड से लॉग इन करते हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म को इजिली भर सकते हैं। इसके अलावा भी माइक्रोसॉफ्ट के और भी लॉगिन के अपॉर्चुनिटीज देता है जिसको आप जाकर के लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा जो गूगल फॉर्म है, इसके लिए शर्त है कि आपके पास जीमेल का अकाउंट, और जीमेल का अकाउंट मैं समझता हूँ सबसे वाइडली अवेलेबल है इंडिया में। लगभग जो भी अगर कोई ईमेल की सोचता है तो वो जीमेल की सोचता है, तो इसलिए अगर आपके पास जीमेल तो है ही तो गूगल फॉर्म पे जाना सबसे सुलभ और सुगम हो सकता है। बात आती है एक्सेसिबिलिटी की, तो दोनों फॉर्म एक्सेसिबल है, किसी में भी कहे एक्सेसिबिलिटी ऐसी नहीं है कि एक्सेसिबिलिटी के लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराता है। तो जो भी आप अगर माइक्रोसॉफ्ट पे फॉर्म बना रहे हो या फिर गूगल फॉर्म पे फॉर्म बना रहे हो, आप फॉर्म बनाने वाला सुनिश्चित करता है कि ये फॉर्म एक्सेसिबल होगा या नहीं होगा। तो एक प्लेटफॉर्म आपको सिर्फ अवसर देता है कि आप जब चुने एक फॉर्म बनाना तो वो एक्सेसिबल हो सके, उसकी वो आपको अपॉर्चुनिटी दे। अपॉर्चुनिटी तो दोनों दे रहे हैं, आप उसको कैसे पूरा करते हैं यह एक बनाने वाला जो फॉर्म क्रिएट करना चाह रहा है उस पर डिपेंड करता है। यदि आप एक आप एग्जांपल दे रहा हूं कि आप एक हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए इंग्लिश में फॉर्म बनाते हैं तो वो एक्सेसिबल नहीं होता है। इसी तरह से आप अगर विजुअली इंपेयर्ड के लिए अगर देखें तो ये यूजुअली जितने गूगल फॉर्म्स हैं सब यूनिकोड फॉर्म लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप जाकर के कुर्ती देव वाला फॉन्ट यहाँ पेस्ट कर देते हैं तो एक्सेसिबल नहीं रहता है। इन सब चीजों को यहाँ आपको सोचना, कंसर्न लाने की जरूरत है। अदरवाइज जो ये गूगल फॉर्म है या माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म है, ये सभी के सभी एक एक्सेसिबल फॉर्म फॉर्मेट अवेलेबल करते हैं। मैंने अभी इन्हीं बातों बातों में, अब जब इधर प्रोग्राम चला था तो बैकग्राउंड में मैं जो हमारे पास NIPVD जो यूज करता है, हम सब लोग जुड़े हुए हैं NIPVD से, तो NIPVD में एक बहुत पुराना फॉर्म है जो नॉमिनेशन फॉर्म के रूप में जाना जाता था। जब ये शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो चलते थे उसमें एक फॉर्म होता था जो नॉमिनेशन फॉर्म टाइटल था, मेरे पास अवेलेबल भी है वो, मैं दिखा भी सकता हूँ। ऐसा एक नॉमिनेशन फॉर्म सा था, देख सकते हैं। तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है अभी एक ऑनलाइन फॉर्म में।
तो कैसा दिखेगा इसको मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहता हूँ, और वहां पे हम लोग कुछ कुछ बात और भी मैंने एडिशनल चीजें रखी हैं जिसको मैं इस चर्चा में शामिल करना चाहता हूँ। तो मैं पहले अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, नाउ इट्स कमिंग, इट्स लोडिंग। तो ये सिंपली एक फॉर्म था जिसको मैंने क्या किया कि जो हमारे इंफॉर्मेशन थे उसको मैंने डाला है गूगल फॉर्म पे। गूगल फॉर्म पे डालने के बाद मैं चूंकि दो लोगों ने आपको सिखाया है अभी, तो एक फॉर्म मैं जनरेट किया, इसको मैं शेयर भी कर दूंगा सभी लोगों से, आप इसे यूज कर सकते हैं और इसको इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी, जैसा डॉक्टर अखिलेश ने भी बताया कि हम नेम पहले ले लिया आपने, दूसरा इनका फील्ड रिक्वायर्ड है, और नाम कैसा लेंगे। जब आप नाम को क्लिक करते हैं, नेम पे क्लिक करते हैं, तो आप पाते हैं कि ये एक्सेसिबल है कि नहीं है। अब ये बात हो गई, अगर एक व्यक्ति जो हिंदी नहीं इंग्लिश नहीं जानता है तो उसके लिए हमें नाम लिखना पड़ेगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम यहाँ पर उसे अपॉर्चुनिटी दे कि वहां हिंदी में भी लिख दे। इसको आप आसानी से हिंदी में टाइप कर सकते हैं, यूज करें गूगल फॉन्ट्स का या फिर कोई भी यूनिकोड फॉन्ट्स का, तो यहाँ पर आप उसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्म के है कि वो नेम मांग रहा है फिर डेजिग्नेशन मांग रहा है। तो ये आप देखें उसके दाहिने साइड में देखें, जैसे मैंने डेजिग्नेशन पे क्लिक किया, आप भी अब ऐसा करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ शॉर्ट आंसर लिख गया, जो नीरज साहब भी बता रहे हैं। ये ऑप्शन रहता है कि आपको किस रूप से देखना चाहते हैं। तो डेजिग्नेशन तो पहले से कोई बता नहीं सकता कि क्या होगा, तो इसका संभावना यही बनती है कि हम इसे शॉर्ट आंसर टाइप में सेलेक्ट करें। तो शॉर्ट आंसर में हमने सेलेक्ट किया। नाम के संदर्भ में भी ऐसा ही है, नाम आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन यदि ये बारी किसी और कार्य के लिए हो, जैसे मान लीजिए आपके पास एक डाटा है और उससे फीडबैक लेना चाहते हैं, तो वहां नाम भी आप पहले से प्रीफिल्ड कर सकते हैं, ये भी संभावना है। तो जैसे यहाँ नाम है, हमने इस फॉर्म को लिया है, नाम डाला, डेजिग्नेशन डाला, फादर्स नेम एंड हस्बैंड नेम था तो वो ऑब्लिक में था तो वो भी हमने डाल दिया है। फिर आई बारी डेट ऑफ बर्थ, ये डेट ऑफ बर्थ फॉर्म पूछ रहा है, मैंने अपने मन से कुछ नहीं किया, फॉर्म को लिया है एक रेफरेंस लेकर के बनाया। तो डेट ऑफ बर्थ के रूप में जब देखे तो डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ देखिए कि डेट मैंने डाल दिया है, यानी कि आप ये दाहिने हाथ में जो आपके स्क्रीन के दिख रहा होगा डेट ऑफ बर्थ के, वहाँ ऑप्शन है, आपको जैसे मैंने क्लिक किया, देखिए डेट को क्लिक किया तो ऑप्शन आ रहा है कि इस क्वेश्चन को कैसा रखें, मल्टीपल चॉइस, चेकबॉक्स, ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोड, लीनियर स्केल, बहुत सारे ऑप्शन है, डेट और टाइम भी। तो तय है कि डेट ऑफ बर्थ तो डेट ही होगा, एक डेट ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो किसी प्रकार का एरर ना आए इसके लिए ये ऑटोमेटिकली भी कर देता है, या आप यहाँ जाकर के सेट कर सकते हैं कि डेट के लिए आप डेट का फॉर्मेट उसे अवेलेबल कराएं। तो ये डेट के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जब आप इस फॉर्म को भरेंगे तो डेट के रूप में ही दिखेगा, जैसा आप कोई ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हैं ठीक उसी तरह से दिखेगा कि डेट ईयर ईयर से आप चेंज कर सकते हैं, मंथ चेंज कर सकते हैं, डेट चेंज कर सकते हैं, जो चाहे आप वहां वो ऑप्शन आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, और आप जो फिल करते हैं और उसे सबमिट करते हैं, वो जो जिसने इस फॉर्म को फैसिलिटेट किया है, जिसने इस फॉर्म को ऑफर किया है, उनके पास ये डाटा सारा का सारा डाटा पहुंचता है। एक बात और यहाँ पर है कि जैसे मान ली दूसरा है कि जेंडर पूछा गया, अब जेंडर हम देना चाहते हैं तो इसको आप किस रूप से, जेंडर के लिए हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो ऑप्शन है, या आप मल्टीपल चॉइस फॉर्म अपना सकते हैं, ड्रॉप बॉक्स अपना सकते हैं, कोई ऐसा चीज ड्रॉप डाउन मेन्यू ले सकते हैं, तो आप ड्रॉप डाउन मेन्यू ले सकते हैं या मल्टीपल चॉइस ले सकते हैं। हमने मल्टीपल चॉइस लिया और दो ऑप्शन तीन ऑप्शन दिया, फीमेल, मेल और प्रेफर नॉट टू से, तीन ऑप्शन दे दिया। तो ये इस तरह से जेंडर वाला इशू कंसर्न पूरा हो रहा है यहाँ पे। कैटेगरी, कैटेगरी को हमने लिया है, कैटेगरी में जो भी हमारी कैटेगरी फॉर्म में होती है वो सब हमने यहाँ पर डाल दिया है। फिर बात जैसे डिसेबिलिटी की, तो हम यहाँ पूछते हैं कि डिसेबिलिटी यस नो, अगर ये यस कहते हैं तो हमें जानना चाहिए कि कौन सी डिसेबिलिटी, तो हमने उनसे पूछा है और वो ऑप्शन रखा है मल्टीपल चॉइस फिर से कि इफ यस प्लीज स्पेसिफाई VI, HI, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, अदर। फिर नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन के रूप में, स्टेटमेंट के रूप में है, रजिस्टर्ड विथ RCI, क्वेश्चन है यस नो, इफ यस देन हमने उनसे CRR नंबर मांगा है। फिर है प्रेजेंट पोजीशन हेल्ड, कहां पर वो काम कर रहे हैं, एड्रेस वहां का। नेक्स्ट मोबाइल नंबर, नंबर में देखिए मैंने यहाँ किया कि आप यहाँ बहुत आसानी से ये सब चीज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा शॉर्ट आंसर किया, हम शॉर्ट आंसर में भी ऑप्शन आता है कि शॉर्ट आंसर में आप ये तय कर दें कि
क्या होगा? जैसे मैंने यहां कहा कि ये नंबर होगा, शॉर्ट आंसर में क्या होगा, टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, और ये आप तय कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट है तो लेंथ कितनी होगी, मैक्सिमम आपने कहीं कहीं फॉर्म भरते हुए देखते हैं मैक्सिमम इन 200 वर्ड्स, 200 जो अल्फाबेट्स लेते हैं या स्पेस लेते हैं, आप उसे कह सकते हैं कैरेक्टर्स लेते हैं, तो 200 कैरेक्टर्स के रूप में ले, आप जिस रूप में भी देना चाहते हैं। हमने यहां मोबाइल नंबर, तो नंबर होगा, तो हमने सेलेक्ट किया नंबर। मोबाइल नंबर कितने नंबर का होता है, 10 डिजिट्स का, तो यहां हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि 10 डिजिट तक ही होगा। यानी कोई अगर 11 नंबर गलती से प्लेस कर रहा है या 9 नंबर पे छोड़ रहा है तो वो प्रॉम्प्ट करेगा कि नहीं आपका मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए। फिर ईमेल है, फिर एक ऑप्शन इसी फॉर्म में मैंने देखा कि लिखा हुआ है लैंग्वेज नोन, कौन कौन से भाषाएं वो जानते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन तैयार कर दिया। देखिए ड्रॉप डाउन तैयार हो गया, अब इसको आप देखेंगे तो वो दिखेगा आपको उस फॉर्म में कि किस तरह से दिखता है, हम इसको आगे जाकर के देखेंगे। तो ये ड्रॉप डाउन भी तैयार हो गई, जैसा डॉक्टर नीरज ने अभी बताया था अपने प्रेजेंटेशन, तो हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू में बहुत सारे जो भाषाएं बोली जाती है, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, असमीज, उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, सबको शामिल कर दिया है। उसके अलावा भी एक ऑप्शन डाल देते हैं अदर का, ताकि अगर कोई छूटी हुई भाषा है तो वो भी इसमें शामिल हो जाए। फिर नेक्स्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन। अगर ये स्कूल के बच्चों के लिए फॉर्म कर रहा है तो हमने फॉर स्कूल स्टूडेंट्स प्लीज स्पेसिफाई ग्रेड, एनी अदर इंफॉर्मेशन, जो कोई देना चाहता है कुछ अपना बताना चाहता है वो भी रखा। एक दो चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि इसे हम टाइम भी ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में मैंने यह सिस्टम लिया कि जैसे मान लीजिए कि मैं देहरादून में हूँ और मैं जाना चाहता हूँ कि इसे पूछा जाता हूँ कि क्वेश्चन सही है या नहीं है। ऐसे ये यहाँ के रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अगर आप एक कोई टूल बना रहे हैं, कोई रिसर्च के लिए सोच रहे हैं या कोई ऐसी डाटा इकट्ठा करना चाहते हैं जहां टाइम आए, तो टाइम कैसे सेलेक्ट करें, देखिए इसका एक ऑप्शन दे रहा हूं। जैसे मैंने पूछा कि दून एक्सप्रेस देहरादून से डिपार्चर टाइम क्या है, तो ये तो टाइम ही बता सकते हैं, तो वो टाइम के रूप में भी फीडबैक आप जो रिस्पॉन्सेज ले सके, इसकी ऑप्शन भी यहाँ होता है। इसके अलावा जो आपने जो प्लस साइन दाहिने आपके मूव कर रहा है, जैसे आप स्क्रॉल कर रहे हैं, छोटा सा जो एक टूल बॉक्स है नीचे नीचे मूव कर रहा है, देखेंगे उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो उसमें वीडियो डालने का होता है। जैसे मैंने यहाँ क्या किया, एक छोटा सा वीडियो अपना अपलोड कर दिया, मेरे मान लीजिए मेरे पास जो यूट्यूब में मेरा वीडियो है वो मैंने डाला, तो वो ऐसा कुछ भी आप कर सकते हैं, किसी दूसरे वीडियोस को भी ले सकते हैं या कोई वीडियो आप डाल सकते हैं, दूसरे के भी वीडियो भी डाल सकते हैं। सामान्यतः जब आप इस ऑप्शन से करते हैं तो आपको खुद ही क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस वाले वीडियोज को चुनने का अवसर देते हैं। इसके अलावा कुछ जो आप इसको भी ले सकते हैं, जो लीनियर स्केल में कोई बात हो, 1-5 वाले स्केल में लें या 1-10 के स्केल में लें। इसके इस तरह से हमने ये बनाया और मैं इसको दिखाता हूं कि दिखेगा कैसा, और मैं चाहूंगा कि इसका आपको लिंक भी भेज दूं। तो अगर ये दिखेगा कुछ इस तरह से, और यदि हम लोग इसको फिर से देखें कि कैसा ये इसका लिंक को, मैं चाहता हूं कि ये लिंक मैं आपको भेजूं ताकि आप एक फॉर्म अपने अपने लैपटॉप या मोबाइल पर क्लिक करके खोल करके देखें कैसा दिखता है। तो मैं इसको चैट बॉक्स पे मैं डाल रहा हूं और ये आपके पास है लिंक। एक और ऑप्शन मैं जो एक छोटा सा शायद उन्होंने बताया ही होगा, एक शेयर, जैसे मान लीजिए हम इसको शेयर करना चाहते हैं, इसको हम शेयर करना चाहते हैं, तो लिंक का शेयर को आप यूजुअली बड़े सा लिंक होता है, आप उस लिंक को छोटा कर सकते हैं। जैसे मैं देखिए फिर से मैं इसको फिर से करना चाहता हूं, मैं वापस जा रहा हूं, यहां पर जो तीन डॉट बने हुए हैं उससे बगल में सेंड लिखा हुआ है, आप सेंड पे क्लिक करें, जो राइट हैंड साइड टॉप पे एक ब्लू कलर का अच्छा सा आइकन बना स्पष्ट दिख रहा है, सेंड में जाए, सेंड को हमने क्लिक किया, ऐसा खुल गया हमारे सामने। और यहां पर देखिए एक जीमेल का लोगो सा बना हुआ है, ईमेल का लोगो बना हुआ है, उसके दाहिने हाथ में एक लिंक का लोगो बना हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करें, और जैसे लिंक दिखता है और वहां पर एक नीचे छोटा सा लिखा होता है शॉर्टेन यूआरएल, यानी यूआरएल को छोटा कर लें, क्योंकि इतना बड़ा लिंक डालना बड़ा अजीब सा लगा, देखिए कितना छोटा यूआरएल बन गया। अब इस यूआरएल को मैं देता हूं, ये यूआरएल सेम काम करेगा जैसा दूसरा यूआरएल काम कर रहा था,
यानी कि जो ऊपर मैंने URL पेस्ट किया है वो देखिए कितना बड़ा है और दूसरा जो मैंने किया वो कितना छोटा है। ये दिखने में भी कहीं आप किसी को शेयर करेंगे तो लगेगा कि हाँ ये छोटा सा लिंक है और सही है, दिखने में अच्छा लग रहा है। इसका आपने इसको लिंक इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप उस फॉर्म पर एक्सेस कर पा रहे होंगे। तो इस तरह से हम लोग एक फॉर्म बनाते हैं और इसको ऑफर कर देते हैं। जैसा अभी मैंने फॉर्म पहले से बनाया था लेकिन आपके सामने दिखाया, फॉर्म बनाना डॉक्टर अखिलेश ने भी सिखाया, नीरज साहब ने सिखाया, तो हम लोग के पास एक सीखने की एक दो मिला और मैं एक फॉर्म बना करके भी आपके सामने शेयर कर रहा हूं। इस फॉर्म को देखें, आप खुद से अपना फॉर्म बनाएं और मैं चाहूंगा कि ये जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम एक सीरीज में इस टास्क को पूरा करें कि आज हम लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म बनाना सीखा है तो 10 तारीख तक हम लोग हर वर्किंग डे पे एक एक 3 से 5 अवेलेबल रहेंगे। लिंक हर रोज शेयर हो जाएगा। आप इसके लिए हमारे वेबसाइट पे nivh.gov.in/webinar पे जाकर क्लिक करेंगे तो आपको वो लिंक मिल जाएंगे रोज के, या पहले से ही कल आपको परसों वाला मिल जाएगा। तो इस तरह से अवेलेबल रहेंगे हर जो अगले वेबिनार के डिटेल्स होंगे वो अवेलेबल होंगे, आप उसको देख सकते हैं। थीम कोशिश यही है कि आप अपने वेबिनार जो आप ऑर्गेनाइज कर सकें, आप सब लोग ऑर्गेनाइज कर सकें और उसको एक प्रभावी ढंग से ऑर्गेनाइज कर सकें। इसके अलावा एक ये सभी चीजें आपको खुद सीखना होगा और खुद करना होगा, आप खुद कर सकते हैं, जिसमें इतने ऑप्शंस हैं। एक आप शुरुआत करें, हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका एडवांस लेवल पे भी इस काम को और ज्यादा कराएं। हमारे सारे रिसोर्स पर्सन एग्री भी करेंगे और वो आएंगे फिर से और हम लोग इसको और एक एडवांस लेवल पे लेके जाएं कि कोई हम किस तरह से एक रिसर्च टूल को यहाँ बना सकते हैं और कैसे हम लोग डाटा को कलेक्ट करके डाटा को एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो हम लोग उस लेवल पे लेके जाएं कि डाटा को एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, हम कोई रिसर्च वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं, कोई स्टैटिस्टिकल वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो निकाल पाए, इस दिशा में भी हम लोग आगे कार्य करेंगे। तब तक के लिए अगर आप देखें तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। कुछ लोगों ने अगर भरा हो फॉर्म, अगर मैं देख पाऊं कि नहीं अभी कोई नहीं आया है रिस्पॉन्सेज, कोई रिस्पॉन्सेज नहीं आया, आपने कोई नहीं भरा, नहीं क्योंकि बहुत लंबा फॉर्म है, भरना भी बहुत मुश्किल है, मैंने काफी लंबा फॉर्म बनाया है, तो ये रिस्पॉन्सेज जो आएंगे यहाँ दिख जाएंगे। और ये ग्रीन कलर का जो एक आपके पास दिखता है एक आइकन सा बना हुआ, एक्चुअली ये गूगल का अपना स्प्रेडशीट है, जैसा नीरज जी भी बता रहे थे, आप सिर्फ सिंपली इसको क्लिक करते हैं ना तो वो एक स्प्रेडशीट को जनरेट कर देता है, वो एक डेस्टिनेशन पे क्रिएट करता है। अभी रिस्पॉन्सेज भी नहीं है यहाँ पर कोई भी, तो आप एक तरह से इसको फॉर्म एक जनरेट कर सकते हैं, आप खुद से इस फॉर्म को बना सकते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं डिजायरेबल है आपके लिए आप इकट्ठा कर सकते हैं और सारे के सारे एक्सेसिबल फॉर्मेट में होते हैं। मैं फिर कहना चाहूंगा एक्सेसिबल फॉर्मेट में लाना या बनाना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें ढेरों सारे और भी ऑप्शन है जहां आप पिक्चर डाल सकते हैं, क्वेश्चन के फॉर्मेट बदल सकते हैं, हर क्वेश्चन में एक पिक्चर डाल सकते हैं जिससे और ज्यादा आप इसे हो सकता है कि आप कहें कि आप एक्सेसिबल बना सकते हैं। कि बहुत बार होता है कि लैंग्वेज का बैरियर होता है, अगर आप उसमें कुछ आइकन देते हैं तो वो उस लैंग्वेज को पढ़ा जाना आसान होता है। इसे मान लीजिए मैं बात करूं कि रेलवे स्टेशन लिखा हो मलयालम में, मैं केरला गया मुझे नहीं आता है मलयालम पढ़ना, लेकिन रेलवे का अगर आइकन स्टेशन का कुछ आइकन बना हुआ है और वो लिखा हुआ 2 किलोमीटर तो समझ में आ जाए कि हाँ रेलवे स्टेशन ही आगे 2 किलोमीटर होगा। तो एक्सेसिबिलिटी एक बड़ा सब्जेक्टिव टर्म है, एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर करने के लिए हमें पहले नीड को समझने की जरूरत है। तो मुझे विश्वास है कि हम सब लोग अपने अपने जगह पे एक ट्राई करें, गूगल फॉर्म पे कार्य पहले आरंभ करें। समस्याएं 200% आएंगी लेकिन इतना मजा आएगा इसको यूज करने में जिसकी आप शायद कल्पना आपने नहीं की, क्योंकि उससे ज्यादा मजा आएगा आपको। तो मैं चाहूंगा कि अब जो हम लोग के पास कुछ भी समय छोटा मोटा है तो अगर कुछ 10-15 मिनट किन्हीं के कोई सवाल हो जिसको हम लोग कैटर कर सके, तो मैं चाहूंगा कि सवाल के लिए थोड़ा सेशन को ओपन किया जाए। एक क्वेश्चन मेरा है पंकज, जो लोग आज लॉग इन नहीं कर पाए होंगे उनके लिए ये हम वेबिनार कैसे अवेलेबल करा सकते हैं? सर ये पूरी रिकॉर्डिंग अभी अवेलेबल हो जाएगी, थोड़ी देर में ये अपलोड हो जाएगा। तो हमारे जो यूट्यूब पे जाए, सिंपली यूट्यूब पे जाए, NIPVT देहरादून सर्च करें, एक चैनल बना हुआ है NIPVT देहरादून का और वहां पर ये अवेलेबल होगा। हाँ, और अब मेरे ख्याल में कुछ समय के लिए हम ओपन फ्लोर को ओपन छोड़ देते हैं
और अगर किसी के क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो उसका पैटर्न एक बार आप समझा देंगे कि उनको हैंड रेज करना पड़ेगा या सीधे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, चैट में डालें या अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ लें, दोनों ऑप्शन है सर, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ लें या फिर तो, डॉक्टर पंकज मेरा निवेदन है इसको आप ही कंडक्ट अगर करें, किसी का हैंड रेज होता है या कोई अनम्यूट होता है तो मैं फिर फाइनली जैसे ही आपका ये सेशन फिनिश होता है मैं दोबारा आपके साथ जुड़ जाऊंगा, तो आप इसे कंडक्ट करें क्वेश्चन आंसर को तो किसी का भी अगर है तो प्लीज अपने क्वेरी को रखें, अगर मन में कुछ चल रहा हो कैसे बनेगा, ताकि उस स्टेप को ही हम लोग यहाँ बता दें कि कैसे करेंगे। सर गुड इवनिंग पंकज सर, मैं नरेश नेहल बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, सर नमस्कार सर। सर नमस्कार, पहले तो सर बहुत बहुत बधाइयां आपको। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, जो अक्सर वेबिनार्स में होता है कि हम लोग जब भी आते हैं तो बीच में जो स्पीकर है वो डिस्टर्ब होता है, प्रेजेंट बटन और प्रेजेंट बटन बोलते हैं हम, तो अगर आप इसको सर थोड़ा सा बता देंगे कि जैसे मतलब साइड के हिसाब से राइट हैंड साइड को है या लेफ्ट हैंड साइड को है, तो मेरे ख्याल से बहुतों के लिए सुविधा होगी सर, तो और शायद जितने लोग भी यहाँ पर हैं और हम भी किसी को बता पाएंगे सर। हाँ नहीं बिल्कुल, प्रेजेंट बटन तो आपके बिल्कुल सामने जहाँ पे ज्वाइन का बटन होता है वहीं प्रेजेंट का बटन होता है, बिल्कुल आजू बाजू होता है। यूजुअली कंफ्यूजन के कारण शायद ऐसा होता है कि प्रेजेंट बटन दबता है शायद, इस पे भी एक अलग से हम लोग करेंगे सर कि कैसे वेबिनार को एटिकेट्स क्या क्या अपनाएं और एक कैसे कुछ सजेशन दें, तो आप प्रेजेंट बटन यूजुअली कुछ लोग कंफ्यूजन में दबाते हैं कि उनकी उपस्थिति दर्ज करनी है या फिर उनको लगता है कि इसी से हम वहां अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे उस वेबिनार में, तो कहीं ना कहीं ये केवल एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और गूगल के पास ऐसी गूगल मीट पे ऐसी फीचर नहीं है अभी प्रेजेंट के कंडीशन में कि हम कोई प्रेजेंट कर रहा हो तो हम उसे रोक पाए, उसे रोकना मुश्किल है, तो आने वाले समय में शायद गूगल इसको रेक्टिफाई कर ले, जबकि ये फीचर दूसरे में ऐसा ये लिमिटेशन नहीं है। आप अगर सिस्को वेबएक्स पे करते हैं या जूम पे करते हैं तो वहां पर जो कंट्रोल पैनल चला रहा हो यानी जो ऑर्गेनाइज कर रहा होता है उसके पास ये अधिकार होता है कि रोक दे। तो मैं चाहूंगा कि अगर कोई गूगल फॉर्म से संबंधित कोई या माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म को ऑनलाइन करने के संबंधित कोई फॉर्म किसी का क्वेरी हो कि फॉर्म बनाना कैसे है और इसको कैसे कर सकते हैं, या हम लोग सब लोग कोई ऐसा स्टेप आप इसमें लगता है कि मिस कर रहे हैं तो प्लीज पूछ सकते हैं या यहाँ रख सकते हैं अपने, रेज कर सकते हैं या कोई सजेशन दे सकते हैं कि अगला हम लोग क्या करें। अभी 10 तारीख तक हम लोग कर रहे हैं कि आपके ही नीड पे कि हमें जो लग रहा है कि नहीं वेबिनार करने के लिए ये चीज आना चाहिए, तो उसको ही एक एक पॉइंट करके हम लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो गूगल फॉर्म से संबंधित अगर किसी का सवाल हो तो प्लीज गूगल फॉर्म के सवाल को रेज करें यहाँ पर प्लीज। पंकज सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर मैं डॉक्टर सुखविंदर सिंह खैरा और मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीआई पर्सन के लिए हम लोग इसको MP3 में ना शॉर्ट थोड़ा सा करके, क्योंकि इतना बड़ा वेबिनार जब हम 3 बजे से 5 बजे तक सुनेंगे वैसे अच्छा है सुनने में, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, पर हमें ना शॉर्ट में अगर ऑडियो फॉर्मेट में आप उसको बना देंगे तो वो और भी अच्छा है हमारे लिए समझने के लिए, तो मेरे यही रिक्वेस्ट है। जरूर कर लेंगे सर। वैसे ये जो वेबिनार हम लोग कर रहे हैं सर अभी जो करने भी जा रहे हैं 10 तारीख तक, ये 3 से 5 टाइम दिया गया है, ये बेसिकली हम लोग चाह रहे हैं कि जो टीचर्स जो थोड़ा टेक से भी बन जाए, थोड़ा वो खुद से वेबिनार ऑर्गेनाइज कर पाए, इसलिए बेसिकली ऑनलाइन स्किल ट्रेनिंग टाइप का कोशिश हम लोग कर रहे हैं। जी बहुत बहुत अच्छा है और इसके लिए आप बधाई के पात्र भी हैं, सभी NIH के डायरेक्टर और आप लोग सब, बहुत सारे वेबिनार आप लोगों ने किए हैं और अब हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोग करें सर, इसके लिए कर रहे हैं और मंगलवार के दिन धन्यवाद कैसे एक्सेसिबल बनाएं और विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैसे वेबिनार अटेंड करें इसके लिए अलग से सेशन होगा सर, तो मंगलवार के 3 बजे से 5 बजे तक उसको आप देखेंगे तो वो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को ही फोकस्ड करके या जो डिसेबल पर्सन है उनको कैसे एक वेबिनार में आने वाले चैलेंजेस और एक्जैक्ट फोकस्ड उस पे होगा सर ट्यूजडे को। थैंक यू पंकज सर, थैंक यू वेरी मच सर। अब प्लीज कोई गूगल फॉर्म पे किसी का क्वेरी नहीं आ रहा है, मतलब हमारे 2 एक्सपर्ट भी साथ में हैं, अगर वो कुछ पूछा जाता तो पूछे वरना फिर तब हम लोग कंक्लूड कर लेंगे इस वेबिनार, आज के वेबिनार को, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कोई सवाल हो, आपने कभी ट्राई किया है तो ट्राई करें
और नहीं तो फिर सबका ईमेल है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर पूछ सकते हैं कि अगर कोई चैलेंजेस आ रहा है आपके साथ, कोई भी परेशानी आ रही है। हेलो, यस सर। हाँ पंकज, मेरे ख्याल में क्वेश्चंस अगर और नहीं आ रहे तो हम वाइंड अप करें फिर। अच्छा, और जसमेर जी मेरे ख्याल में लॉग आउट कर गए हैं, तो मैं आप हमारे संस्थान की ओर से धन्यवाद करना चाहूँगा। पहले तो दो एक्सपर्ट्स का जो हमारे साथ यूनिवर्सिटी से जुड़े, कोटा यूनिवर्सिटी से खास तौर से, और दोनों ने अपने बहुत एक्सपर्टीज जो हमें प्रदान की, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के दोनों वक्ताओं ने, डॉक्टर पाठक और नीरज जी, नीरज अरोड़ा जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें शॉर्ट नोटिस पे अपनी सहमति प्रदान की कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारी वेब रिलेटेड डेवलपमेंट संबंधी जो जानकारी है उसको बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर पंकज हमारे साथ लगातार वेबिनार कंडक्ट करने में अपनी टीम को लेकर जुड़े रहे संस्था की ओर से, और आज भी उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज सबके साथ शेयर की, और आगे भी मुझे लगता है जितने भी वेबिनार्स होने वाले हैं आपकी एक्सपर्टीज और आपकी टीम की एक्सपर्टीज, जिसमें भावना है, दीपक है, ये सब लोग लगातार अपनी एक्सपर्टीज प्रदान करते रहेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर हिमांशु दास जी का, जिन्होंने एक मीटिंग करके हमें गाइडलाइंस दी और संकेत किया कि हम लोगों को बहुत बड़े स्तर पर वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोरोना की वजह से जो बाधाएं आ रही हैं शिक्षण प्रशिक्षण में और ऑनलाइन संपर्क में, उस सब बाधाओं को हमें दूर किया जाए, हाँ हमारी ओर से दूर किया जाए, और संस्था अपनी गतिविधियों को बेनिफिशियरीज के लिए लगातार जारी रखे। तो डॉक्टर हिमांशु का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे एक्सपर्ट, हमारे अपने फैकल्टी मेंबर्स जुड़े हुए हैं, जिनमें डॉक्टर सुरेंद्र ढालवाल हैं, डॉक्टर विनोद केन हैं, डॉक्टर जसमेर हैं, और स्कूल से नरेश जी हैं, हिम्मत जी हैं, और कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बड़ी एक्टिवली हर चीज में पार्टिसिपेट करते हो और अपना पूरा पूरा योगदान इस मामले में देते हो कि जो जो आप लोगों को, आप अपनी जानकारियां बढ़ाने के लिए आपको आवश्यक है वो जरूर करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत से अन्य लोगों का धन्यवाद जिनके नाम मैं नहीं ले पाया हूँगा, आप लोग वेबिनार के साथ जुड़े, और ये फिर से एक बार रिमाइंड करना चाहूंगा, ये वेबिनार अभी डाल दिया जाएगा पंकज जी की ओर से यूट्यूब पे, और आगे इसी तरह की एक सीरीज पूरी चलने वाली है 3 से 5 बजे तक अगले 10 तारीख तक, तो आप लोग इसे मिस ना करें। आगे और भी जो तकनीकी जानकारियां दी जाने वाली हैं उनको, उनका उनसे बेनिफिट हो, और इसके अलावा जो और 10-10 वर्कशॉप्स अब अलग अलग कोऑर्डिनेटर्स को ज्वाइन करने हैं, कराने हैं, उन सब के लिए भी आप लोग ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके इंस्पिरेशन से हम लोग काम को कर पाते हैं और सबको आप जोड़ पाते हैं, और किसी भी जहां भी हम लोग आपसे कोई अनुरोध करते हैं वहां आप तुरंत अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं और एक प्रभावी रूप से एक मार्गदर्शन भी देते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं फिर से सबसे अनुरोध करूंगा कि ये हमारा बहुत बहुत फॉर्मल नहीं कर रहे हैं, इसलिए अगर आपको कोई जब लग रहा है कि आपको ये चीज सीखनी है तो आप मैसेज वगैरह सब कुछ दे करके भेज करके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको वेबिनार के लिए ये चीज सीखना है, या कोई ऐसा नीड आप जनरेट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं हम लोग को, ताकि हम लोग उसी तरह से वेबिनार इसमें जो टेक्निकल एक्सपर्टीज हम चाह रहे हैं कि हम आपस में एक दूसरे को शेयर कर सकें और एक दूसरे का स्ट्रेंथन कर सकें। तो फिर से सबका धन्यवाद, अब हम लोग मीटिंग को यहाँ पे बंद कर रहे हैं। थैंक यू।